तो प्री इंजीनियरिंग क्वालिफाई करके आए अ गुड नंबर हाउ आर यू फ्रॉम प्री मेडिकल, वाला ठीक है parents parents कितने बैठे हैं ठीक है ये बहुत अच्छी बात होती है पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट करें और uh, उनको पता चले कि वो किस जगह पर अपने बच्चे को भेज रहे हैं और क्या होने वाला है वहाँ पे और क्या करियर चॉइसेस वो ले रहे हैं तो लेट्स ऑफिशियली बिगेन मैं आपको शुरू करूँगा सीए के बारे में बताना एंड इफ़ यू गेट टू लर्न दैट आप इंशाल्लाह एआरटीटी के बारे में खुद बखुद जान जाएंगे सो so, सबसे पहले तो मैं आपसे फिर से एक सवाल पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं जिसमें सेल्फ एस्टीम हो जिसमें सबसे पहले जिसमें सबसे पहले आपकी बेसिक नेसेसिटीज मिल रही हो लाइक like, रोटी कपड़ा मकान अच्छी जॉब रेजी हैंड्स ऐसा प्रोफेशन कौन कौन चाहता है हैंड्स प्लीज ठीक है जी सर एट द सेम टाइम ऐसे आप ऐसा प्रोफेशन किसको चाहिए जिसमें कोई आपकी सोसाइटी में यू नो रिस्पेक्ट बन जाए बिलोंगिंगनेस बन जाए आपको इज्जत से लोग देखें रेजी हैंड्स आई वॉन्ट दैट ऑब्वियसली राइट तो सर स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चीज़ से कि इस तरह के बहुत सारे प्रोफेशन आपके आपकी ज़िंदगी में आएंगे एट दिस स्टेज आफ्टर क्वालिफाइंग इंटरमीडिएट एवल्स प्री इंजीनियरिंग बी कॉम आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं यू कैन बिकम एन आई टी एक्सपर्ट यू कैन बिकम एन इंजीनियर लेकिन जो भी प्रोफेशन आप सेलेक्ट करते हो वो आपको कुछ बेसिक नेसेसिटीज देने के काबिल हो वो आपको कुछ सेफ्टी और मनी सिक्योरिटी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के काबिल हो इट शुड बी एबल टू गिव यू बिलोंगिंगनेस एंड रिस्पेक्ट कि जी आप माशरे में सोसाइटी में एक बता सकें कि जी आई एम ए अकाउंटेंट एंड पीपल शुड फील प्राउड ऑफ दैट सर उसके बाद ये आपको इतना मशहूर कर सके आपको इतना सेटिस्फाई uh, कर सके कि के, के जाने के बाद भी आपकी एक लेगेसी चलती रहे सो so, सर ये सारे प्रोसेस इब्राहम माजलो की थ्योरी में हमें नजर आते हैं ये सारे स्टेजेस हमें नजर आते हैं एट दिस स्टेज यू आर लुकिंग फॉर समथिंग विच इज गिविंग यू फाइनेंशियल सेफ्टी आप चाहते हैं कि आगे चल के क्या मुझे एक बात बताएं क्या सी ए आपको बेसिक नेसेसिटीज देता है पैसे वैसे देता ये सो नो बिल्कुल देता सर क्या, सर क्या सी ए हमें माशरे में इज्जत देता है कि कल को हम अगर कहीं शादी करने जाए तो हमारी वैल्यू वा, थोड़ी सी बढ़ जाए कि जी बंदा सी ए या खातून ने सी ए किया हुआ ऐसा होता है ये नो यस तो सर हमारे पास जितने भी हैं सी ए उनमें से एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको ये सारी चीजें दे रहा है वो आपको एक रिस्पेक्ट भी दे रहा है सोसाइटी में वो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी दे रहा है वो आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा है वो आपको ट्रैवलिंग चांसेस भी दे रहा है आप मुल्क में मुल्क से बाहर भी इस चीज को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं लेकिन साथ साथ सी ए के अंदर बहुत सारी मिसकनसेप्शंस भी हैं सर कितने लोगों को लगता है कि सी ए बहुत मुश्किल चीज का नाम है रेजे हांज ठीक है Uh, कितने लोग को लगता है कि यार सीए जो है ना वो कभी क्वालिफाई नहीं होता है लोग बुढ़े जाते हैं कितने नहीं बात सुनी भी है? right? आपने सुना होगा कि जी सीए की सैलरी बड़ी अच्छी होती है ये बात सुनिए तो ठीक है और फिर ये है कि जी बड़ा महंगा होता होगा तो सीए है एक अच्छा रिवॉर्डिंग करियर आपको देता है तो कुछ तो महंगा होगा ना देर इज नो फ्री लंच इन वर्ल्ड जो भी आपको चाहिए तो उसके लिए कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट होती है तो क्या सी ए बहुत महंगा है कितने लोग सीए कि जी बहुत महंगी चीज का नाम है प्रेज इफ यू थिंक दैट एक बंदा ओके ओके दैट्स अ गुड थिंग माय वर्क हैज बीन कट आउट फॉर मी तो पहले इस क्वेश्चन से आसान आ, 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 बात शुरू करते हैं कि क्या वाकई सी ए डिफिकल्ट है तो मैं अपने बारे में थो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये दूं कि मैं अभी रिसेंटली अपना एम फिल क्वालिफाई कर चुका हूँ इन इकोनॉमिक्स साथ साथ मैंने कैफ क्वालिफाई किया हुआ कैफ इज द सेकेंड लैंग्वेज सेकेंड लेवल ऑफ योर सी ए साथ में भी आपको थोड़ी देर में यह भी पता चलेगा कि जितने भी फैकल्टी मेम्बर्स हमारे पास मौजूद हैं वो भले किसी भी फील्ड में हो भले वो मैथमटिशन हो सर सलामान की तरह भले वो इंग्लिश प्रोफेशन हो मेरी तरह लेकिन हम कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंसी से लाजमी जुड़े हुए हैं सर ने भी अपना कैफ क्वालिफाई किया हुआ हमारे पास जो लॉ के टीचर हैं वो भी अपने चार्ट अकाउंटेंट हैं आफ्टर दैट वी हैव अ प्रोफेशन प्रोफेशनल एक्सपर्ट इन टैक्सेशन सो एवरी पर्सन दैट वी हैव इज एन एक्सपर्ट तो एज एन एक्सपर्ट एज ए रिसर्चर मैं आपसे ये कहता हूँ कि कभी भी कोई बात इस वजह से बिलीव ना करें कि किसी ने कहा राइट right? हम अकाउंटेंसी में ऑडिट में उसको कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म राइट यानी अगर मैंने बोला कि ये वाइट है तो इसके इसको साबित करने के लिए मेरे पास कोई एविडेंस होना चाहिए यानी मुझे बताइएगा हम में से कोई नोबेल प्राइज जीता हुआ है यस नो नो सर हम में से खुदा न खासता कोई नबी पैगंबर है यस yes नो no? no. बिल्कुल नहीं है तो सर हमने किसी की बात को ना ऐसी उसकी फेस वैल्यू पे यकीन नहीं करना हमें उसके कॉन्ट कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए क्या चाहिए एविडेंसेस yeah. चाहिए तो वही कुछ एविडेंसेस मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा आई एम ट्राइंग टू स्टेब्लिश फर्स्ट थिंग इज डिफिकल्टी सर पहली चीज आती है डिफिकल्टी और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ स्टार्ट सर पहला लेवल होता है आपके सी ए का पी आर सी राइट right? उसमें होते हैं पांच पेपर्स सर पी आर सी के बाद हमारे पास आता है कैफ और ये आई कैफ की तरफ से इशू हुआ पासिंग परसेंटेज ऑफ द प्रीवियस पेपर्स तो सर बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन जो मैं पढ़ाता हूं उसका पासिंग परसेंटेज पिछले एग्जाम में मे 2024 में 61 परसेंट था कितना था 61 परसेंट सर क्वांटिटेटिव मेथड जो सर सलान पढ़ाते हैं सर उसमें हमने स्कोर किया है फिफ्टी थ्री परसेंट ऑफ द पीपल वर एबल टू सिक्योर देयर पासिंग परसेंटेज वो पास हो चुके थे सो फिफ्टी थ्री फिफ्टी फाइव फोर्टी एट एंड फिफ्टी एट जो मिनिमम है सर वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है और वो भी कितना है फोर्टी एट कितना बचो फोर्टी एट सर साथ साथ देखें एक एक और चीज आएगी आपकी आपकी लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में उसको हम कहते हैं हैंड्स ऑन कोर्सेज पीपी प्रेजेंटेशन सिखाना प्रेजेंटेशन कैसे डिलीवर करते हैं आप एमएस ऑफिस एक कंप्यूटिंग को कैसे चलाते हैं बिकॉज एज यू कैन सी वी हैव अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इवाल्व इन दिस नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स इन्वॉल्व इन दिस सो हमें एक चार्ट अकाउंटेंट को इसमें भी प्रोफेशन बनाना होता है और उसका भी परसेंटेज सर फिफ्टी प्लस है यानी अगर 100 बच्चों ने पेपर दिया तो 50 लोग क्वालिफाई कर सके 51 परसेंट इज स्टिल अ वेरी गुड परसेंटेज सर टेक अ लुक ये आपका मेजर चंक होता है कैफ द रियल सी एस एम पीपल कॉल इट सर इसका जो मिनिमम मुझे बताएंगे कितना परसेंटेज 27, 27.7, so let's make it 28. Let's round it on. और सर जो मैक्सिमम है वो है आपका 53.9 थ्री पॉइंट नाइन परसेंट दैट इज एम एफ ए जो सर अहमद आपको पढ़ाएंगे सर अहमद रजमीर आपको पढ़ाएंगे सो द पॉइंट इज द मिनिमम दैट वी सी इज 27 सेवन एंड द मैक्सिम दैट वी सी समि थ्री पॉइंट नाइन सर ये परसेंटेज है अकॉर्डिंग टू गूगल अबाउट बी कॉम सो पास मार्क्स मिनिमम पासिंग मार्क्सल फोर्टी परसेंट इन ईच ऑफ दबे हमारे पास जो पासिंग हो रही है, most, crack, CSS, जिसका पासिंग होता है तो, पहली बार एग्जाम पा, हमारे पास जो है टू पॉइंट नाइन सिक्स पासिंग परसेंटेज तेरह हजार लोगों ने एग्जाम दिया और कुछ एक सौ दो सौ लोग क्वालिफाई करते हैं एक एग्जाम है जिसमें थर्टी टू फोर्टी परसेंट लोग निकाल जाते, निकाल जाते हैं और वो बहुत ही आसान है कोई मुझे बताएगा बी कॉम मुश्किल होता है क्या या एडीसी मुश्किल होता है सर तो एडीसी इज समी परसेंट हमारा सी ए इज समिफ्टी परसेंट सो अगर मैं नंबर्स को कन्वे करूं तो हमारा सी इज एज डिफिकल्ट एज बी कॉम यो लेट्स टेक लुक एट द सेकंड क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन हमारे पास था कि क्या सी ए डिफिकल्ट तो भाई नंबर बताते हैं उतना ही डिफिकल्ट है जितना एक बीकॉम होता यस यू नीड मोर कंसिस्टेंसी यस यू नीड हंड्रेड परसेंट फोकस बट डिफिकल्टी लेवल इज ऑलमोस्ट द सेम आपने अभी मुझे एग्री किया कि जी बी कॉम क्लियर करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट तो सी ए करना भी इतना कोई ज्यादा डिफिकल्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए वंस अगेन नहीं होना चाहिए दूसरी बात आती है सर सी uh, एक्सपेंसिव है या नहीं लेट्स लेट्स एक्सप्लोर दैट तो अगर आपके पास फोन हैं तो प्लीज़ निकाल लें और कैलकुलेटर खोल लें अपने पास आई वॉन्ट यू टू डू सम कैलकुलेशन बिकॉज ये जो पोर्शन होता है ना ये आपके पेरेंट्स के लिए एक बड़ा यू नो कंसर्निंग पॉइंट होता है क्योंकि दे नीड टू इन्वेस्ट लॉट इन योर एजुकेशन तो एक्सपेंस कितना है सर सबसे पहले सपोज अगर आप सी नहीं करना चाहते आप करते हैं बी बी ए फ्रॉम आई बी ए तो सर आप बीबीए आई बी ए से करें लम से करें जबिस से करें माजू से करें कहीं से करें उसके होते हैं वन फोर्टी फोर क्रेडिट आर्स यस कितने बचो वन फोर्टी फोर सर वन फोर्टी फोर क्रेडिट आर्स होते हैं और अकॉर्डिंग टू आई बी ए फॉर पर सिंगल क्रेडिट आर इज ट्वेंटी एट थाउजेंड कैन यू मल्टीप्लाई ट्वेंटी एट थाउजेंड विद वन फोर्टी फोर प्लीज एंड शो मी द रिजल्ट्स सर उर्दू so, में बताएं चालीस लाख सर चालीस लाख का आपका हो रहा है बीबी है कितना सर लेट्स से राउंड ऑफ करते हैं चालीस कर लेते हैं सर यह चालीस लाख में आपका हो रहा है बीबी है जी एक एक्सेप्शन आती है दिमाग में कि यार ये तो आई बी है सो आई बी एज समय एक्सेप्शनल तो चले हम इकरा का देख लेते हैं सर इकरा का भी जो है वो तकरीबन इतना टोटल कॉस्ट आपको पड़ जाती है इसका फिफ्टी परसेंट राइट सो इट इज दैट एक्सपेंसिव एंड आप को क्या मिल रहा है आपको मिल रहा है बीबीए की एक डिग्री राइट सो सर ये ये नंबर अपने पास याद रखिएगा कहीं लिख लीजिएगा चालीस लाख में हमने किया बीबीए यानी हमने किया सिक्सटीन ग्रेड सिक्सटीन ईयर चेक आउट सी ए नाउ लेट्स डू अ तो सीए की सर ये जो ये सारी कैलकुलेशन है ये आपकी वेबसाइट पर सीए की आई uh, कैब की वेबसाइट पे अवेलेबल अवेलेबल तो एक सर हमारे पास सेगमेंट आता है पी आर सी एनरोलमेंट फी फिर आता है रजिस्ट्रेशन एज एफ टी एस मुझे समझ नहीं आया कि दोनों में डिफरेंस क्या है तो मैंने दोनों उठा लिया राइट right? सो so, मैंने क्या किया मैंने इनको ऐड किया और फिर हमारे पास एक होती है असेसमेंट फी यानी एग्जामिनेशन पेपर इट इज सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड आपने कितने पेपर देने पी आर सी में फाइव सो मल्टीप्लाई दैट विद एंड यू गेट अ टोटल नंबर ऑफ थर्टी टू थाउजेंड इज इट करेक्ट कैन यू कन्फर्म इट ही है ठीक है जी सर उसके बाद हमने देनी होती है एनुअल सब्सक्रिप्शन फी क्योंकि हम आके आपकी लाइब्रेरी यूज करते हैं आके आपकी बुक्स यूज करते हैं तो वो हमारे ना एक मेंबरशिप फी की तरह एक चार्ज आता है सर दैट इज समू अराउंड फाइव थाउजेंड और आपका जो मेजर चंक आता है वो किसी ट्यूशन फी uh, के लिए जाता है जैसे आप ए टीम से पढ़ेंगे सो यू विल हैव टू पे फॉर पर पेपर एंड देर आर फाइव पेपर इन टोटल सो फिफ्टीन थाउजेंड इन टू फाइव वी गेट सेवेंटी फाइव थाउजेंड इज दैट करेक्ट कैन यू कन्फर्म इट उसके साथ हमारे पास होता है एक पांच हजार की एडमिशन फीस टोटल अमाउंट इज एटी थाउजेंड एट दैट होल आप कितना बनता one, one, वो मैंने लिखा हुआ है लेकिन आप भी बता दें मुझे सर इट्स वन हंड्रेड थर्टी एट थाउजेंड राइट सिक्स हंड्रेड तो एक लाख अड़तीस हजार हम लोग आ गए पीआरसी तक पांच पेपर हमारे क्वालिफाई हो गए एंड पांच पेपर आर वेरी इजी टू तो क्वालिफाई बाय द वे ओके okay, जी नंबर्स याद रखिएगा कितना वन थर्टी एट सिक्स हंड्रेड सो मूविंग ऑन हमारा कैफ स्टार्ट हुआ hmm. कैफ में कितने पेपर्स होते हैं बच्चों एट पेपर्स हैं आठ पेपर्स हैं तो सर हमने क्या किया हमने सबसे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन की सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड हमने देखा कि जी एक एग्जामिनेशन फ़ी भी होती है क्योंकि हमने आठ पेपर देने हैं तो हर एग्जामिनेशन फी हर पेपर की फी जो है वो हमने काउंट करनी है तो फर्स्ट पेपर आपका जाता है वो जाता है सिक्स थाउजेंड का एंड देन एवरी नेक्स्ट पेपर इज फॉर थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड तो हमने एक बेस पेपर उठाया और दो हमने क्या उठा लिए एक्स्ट्रा एडिशनल पेपर सो सिक्स थाउजेंड प्लस थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड टू ये बन गया सर मेरे पास कितना ऐसे ही है सर थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड अच्छा ये हो गया सर पेपर वन टू थ्री क्वालिफाइड राइट फिर हमारे फोर फाइव सिक्स द सेम प्रोसीजर विल अप्लाई अगेन सो थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड प्लस थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड कितना हो गया जी कुछ बनेगा एक नंबर हमने कहा कि सर फाइव फोर फाइव सिक्स तक हम हम लोग आ गए नाउ वट वी आर डूइंग इज दैट वी आर गोइंग टू अपियर एंड है नहीं अलग है लेकिन हम क्या करते हैं कि एक फेलियर का मार्जिन भी रखना हैं कि चलो एक पेपर हम एक एवरेज स्टूडेंट रुक जाता है कभी राइट right? सो so, हमने वो वाला मार्जिन भी रखा सर हमने टोटल तो, बनाया थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड सर ये टोटल तीन दफा की कॉस्ट बनी हमारे पास फोर्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड कैन यू कन्फर्म इट प्लीज ऐसे ही ठीक है जी सर उसके साथ हमारे दूसरा साल भी स्टार्ट हो चुका होगा तो हमने डाली एनुअल सब्सक्रिप्शन फी ये सर पांच हजार ट्यूशन फी अगेन द बिगेस्ट चंक तो अब हमारे पास में एआरटीटी ऑफर करता है एआरटीटी कहता है जी अगर आप हाइब्रिड लेक्चर लेना चाहते हैं प्लस यू नो फिजिकल एंड ऑनलाइन लेट मी टेल यू वंस अगेन कि फिजिकल का कोई मुकाबला नहीं है स्पेशली फॉर पी क्योंकि जब तक बेस नहीं बनेगी तब तक आप कैफ तक नहीं उठ पाओगे सो so, घर पर आप ऑनलाइन लेक्चर ले सकते हो

सर, इन सबको हमने हाइब्रिड को देखा तो सर हमने लिया ट्वेंटी वन थाउजेंड फॉर पर पेपर बट इफ यू जस्ट वॉन्ट टू सी ऑनलाइन देन इट इज सेवेंटीन थाउजेंड राइट सर मैंने ट्वेंटी को मल्टीप्लाई किया नाइन के साथ या पता नहीं एट के साथ देखिएगा वन सिक्सटी एट कितना आ रहा है ट्वेंटी वन थाउजेंड इन टू एट कितना आ रहा वन सिक्सटी एट सही है तो मैंने आर्ट पेपर्स की यहां पे ट्यूशन ली है क्योंकि पेपर्स की इस वजह से लिए क्योंकि हमें फिर बाद में ए आर टी टी इंस्टीट्यूट जो है ना वो फिर आपको फुल uh, फी नहीं चार्ज करता वी 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 हैव अ रिफ्रेशर बैच फॉर दैट रिड्यूस द कॉस्ट बाय सर टोटल हमारा बना कैफ तक आते आते वी गॉट टू दो लाख बीस हजार सात सौ कितना बचो इसमें सर ऐड करते हैं हमारी पी आर सी की फी तो कितना बन गया अच्छा आप कंपेयर करते हैं सर एक तरफ हमने किया था चालीस लाख दूसरी तरफ है हमारे पास सर कोई तीन लाख साठ हजार सर चार लाख चले ठीक है तो तीन लाख साठ वर्सेज वर्सिज चालीस लाख आई एम आस्किंग अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन बट विच वन इज बिगर चालीस लाख या छह लाख या चार लाख चालीस लाख सही है सो वट वी आर चार्जिंग राइट नाउ इज एक्चुअली द टेन परसेंट टेन परसेंट सर टेन परसेंट ऑफ दैट कॉस्ट इज राइट right? अच्छा इस पे अभी बात खत्म नहीं होती है इस पे हम फिर से लेट्स पुट अ पिन ऑन इट एंड एंडल विल गो बैक टू इट अगेन अच्छा आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सर वो एक दफ़ा हम a &A we'll, we'll सर, है, है ये खत्म कर लें देर विल बी अ क्यू एन सेशन एंड विल गिव यू टाइम टू डू दैट अच्छा दो बातें हुई सर एक्सपेंसिव आप बताएं है या नहीं है नहीं है नहीं है सर और मैंने नहीं बोला आपकी फी कैलकुलेशन ने बताया आपकी कॉस्ट एनालिसिस ने बताया अब कहते हैं सर हाई सैलरी मिलती है तो सैलरी तो बाद में मिलेगी सर सर पहले आपका स्टार्ट होता है स्टाइपेंड याद है आपने कैफ क्वालिफाई किया था अभी थोड़ी देर पहले राइट <laughs> सर right? so, आपने कैफ क्वालिफाई किया और आप चले गए फर्म में सही है यू वेंट इन टू द फर्म और आप काम सीखना शुरू करते हैं अब फर्म में क्या करते हैं सर उसको कहते हैं है हम आर्टिकलशिप कितने लोगों को पता है आर्टिकलशिप क्या होती है सही है अगर किसी को नहीं पता है तो हम डॉक्टर्स को देखते हैं जो हाउस जॉब करते हैं किसी सीनियर डॉक्टर के साथ ट्रेनिंग लेते हैं राइट आर्टिकलशिप में भी कुछ ऐसे ही मामला है uh, आर्टिकलशिप में हम जाते हैं ऑडिट फर्म में आगे दिखाते हैं ऑडिट फर्म्स क्या चीज होती हैं ऑडिट फर्म जो है उनके क्लाइंट्स होते हैं सर एंग्रो uh, जैसे नेस्ले जैसे थरकोल uh, जैसे राइट दे हैव बैंक्स लाइक यू बी एल एंड मीजान तो सर वहां ना हमें जाके अलग अलग कंपनीज का ऑडिट करना होता है अलग 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 कंपनीज के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्टेटमेंट्स देखने होते हैं राइट right? तो वहां पे मिलती है ट्रेनिंग तो एक ऑडिट फॉर्म में आप बैंकिंग सेक्टर भी देखते हो आप एजुकेशन सेक्टर भी देख रहे होते हो आप इंडस्ट्री भी देख रहे हो आप एस भी देखते हो राइट right? आप एक होलसम पिक्चर देखते हो राइट right? और उस काम के सर आपको मिलते हैं पैसे यानी काम सीखने के पैसे भी मिल रहे हैं सर वो पैसे मिलते हैं आपको पर मंथ ट्वेंटी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सर आपकी आर्टिकलशिप होती है थ्री पॉइंट फाइव ईयर्स की स मल्टीप्लाइड इंटू कन्वर्टेड इन टू नंबर ऑफ मंथ्स मंथ्स तो वो बनते हैं कितने मंथ्सू मंथस छह सौ को मल्टीप्लाई करें जरा करेंट से क्या निकलता है तो सर हमने लगाए अभी तक कितने थे तीन साठ था ना कुछ सर ये हम रिकवर भी कर रहे हैं सो so, एक एक टर्म होती है फाइनेंस में जिसको हम बोलते हैं आर ओ आई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो हमने जो इन्वेस्ट किया मामला सर उसके पैसे हमें वापस मिलना शुरू हो गए राइट 24 महीने अगर आप तीन पेपर छोड़ के यहाँ पे भी रुक जाते हैं और आप इस पे भी सब करते हैं तो फिर भी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर हो रही है ये सुनो सर लेकिन क्या मैं तीन पेपर रुक के सेटिस्फाई हो जाऊंगा या मैं आगे चलता रहूंगा आगे चलता। जोर से बोले सर विलिंगनेस दिखाएं मुझे चले सर तो आगे चलते रहेंगे तो फिर हम क्या करेंगे सर हम सीफाइप क्लियर कर लेंगे और सीफाइप जैसी क्लियर करेंगे हमारा स्टार्टमेंट फिर से जंप लेगा और हमारे स्टार्टमेंट में इंक्रीमेंट होगा और हम हम आ, पहुंच जाएंगे 42,600 पर मंथ सर अब कितने अब टाइम बचा हमारे पास आफ्टर नेक्स्ट सिक्स मंथ्स 18 मंथ्स बच गया हमारे पास तो अब हमने क्या किया जी हमने जो है वो आ, अपना अभी भी रिकवर किया हमने सात लाख छियासठ हजार रुपये राइट कैन यू एड दी थ्री फिगर्स टेल मी हा मच वीव रिकवर्ड सर नाइन फोर्टी नाइन सिक्स हा मच टू बी गेट तो सर चार लगा के चौबीस अच्छा चार नहीं लगाया सिर्फ अभी हम साथ में सीता आपकी थोड़ी बहुत फी भी दे रहे हैं सर मैक्सिमम कर करा के ये सीए आपका छ से ऊपर नहीं जाना चाहिए छ लाख साढ़े छः डेट सेट सही है अच्छा इसके बाद सर हमने एम एस ए क्लियर किया रिमेंबर अभी तक जॉब स्टार्ट नहीं हुई है सही है एमएसए क्लियर किया सर और एमएसए क्लियर करते हुए सर सिर्फ मेरा वजीफा पढ़ने का खर्चा वो, वो नहीं होता छोटे को हम पैसे देते हैं जा बेटा ये ले जा वो छोटे को जो पैसे मिल रहे हैं सर वो एटी फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड पर मिल रहा है राइट अच्छा अब इसके बाद क्वालिफाई कर जाते हैं तो सर दैट इज अगेन स्काई इज द लिमिट आई 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 ऑलवेज से दैट स्काई इज द लिमिट लेट मी शो यू अ पिक्चर सर फिर से गूगल कहता है गूगल पे मैंने टाइप किया सर कि व्हाट इज द हाईएस्ट पेइंग जॉब इन पाकिस्तान तो सबसे बड़ी जो हमारे पास जॉब है सर वो है फिर से एट द टॉप वी हैव चार्टेड अकाउंटेंट्स सर सेकंड वी हैव डॉक्टर्स देन वी हैव प्रोजेक्ट मैनेजर्स वी हैव आईटी एक्सपर्ट्स बट एट द टॉप वी स्टिल हैव चार्ट अकाउंटेंट्स सर अभी इंडस्ट्री के कुछ लोग भी आते हैं वो आपको बताएंगे कि एक्चुअली हमें कितना बजट मिलता है कितना सैलरी हमारी स्टार्टिंग uh, सैलरी कितनी होती है विच इज समेयर अराउंड मोर देन वन हंड्रेड थाउजेंड इजिली राइट सर अब स्काईज द लिमिट की हमने बात की थी ना तो एक एक कहानी सुनाता हूँ आपको सुनेंगे yes, मजबूरी है सर सुनना पड़ेगी राइट सो द फर्स्ट थिंग इज आई एम टेलिंग यू स्टोरी अबाउट सम वन अबाउट एन इंडिविजुअल सर ये जो थे ये लियारी में पैदा होते हैं और एक टिपिकल पख्तून फैमिली में इन्होंने जन्म लिया पैदाइश हुई इनकी सही है और इनके जो अबू थे सर वो थे एक कॉबलर, ही वुड मैंड द शूज़ टू मेक हिज लिविंग और क्या कॉबलर बहुत ज़्यादा अमीर होता नहीं सर बड़ा वो हैंड टू माउथ गुजारा कर रहे होते हैं राइट right? अच्छा लेकिन ये बंदा जो है ना वो फिर भी रुका नहीं ही इज डिटर्म सर ये जो है इन्होंने अपना सी स्टार्ट किया और सी स्टार्ट करते के कुछ इनिशियल टाइम में इनके फादर का इंतकाल हो जाता बट ही स्टिल डज नॉट स्टॉप राइट इनके पास ट्यूशन भरने के पैसे नहीं है तो इन्होंने क्या किया इन्होंने पढ़ाना शुरू किया राइट right? आप पहचान पा रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ सर अहमद रजा मीर की सर अच्छा फिर कैफ के दौरान ही इनकी अम्मी का इंतकाल भी हो जाता है ही लॉस मदर मदर बिग सपोर्ट फॉर एनी वन सर एक एक कमरे का मकान है उसमें रह रहे हैं बेकरी में काम कर रहे हैं पढ़ा रहे हैं साथ में और साथ साथ इन्होंने सेल्फ स्टडी की बेसिस पे पूरा मॉड्यूल ए बी सी डी फर्स्ट अटैम्प्ट क्वालिफाई कर लिया राइट right? सर सेल स्टडी की और इंडक्शन फर्म वन ऑफ द बिग फोर इंडक्शन फर्म्स में इनको सॉरी वन ऑफ द बिग फोर ऑडिट फर्म्स में इनको इंडक्शन मिल जाती है ही सिक्योर दैट विद हिज हार्ड वर्क सर आखिरी पॉइंट है ना हमारा कि बहुत लंबा टाइम लेता है तो ही क्वालिफाइड दैट द सी एट द एज ऑफ ट्वेंटी थ्री बिकेम दी एफ ओ ऑफ सम वेरी प्रेस्टिजियस द हेड ऑफ देर देयर मैनेजमेंट एंड रिस्क असेसमेंट सर अब तक वो हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं uh, सर सलान उनके स्टूडेंट हैं uh, मैं उनका स्टूडेंट हूँ मिस जैनब उनकी स्टूडेंट नहीं है सही है हदायत वसी उनके स्टूडेंट हैं सही है सर काशिफ उनके स्टूडेंट हैं तो वी हैव लाइक अ ह्यूज़ ह्यूज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट ही सर उन्होंने खड़ा किया इस इंस्टीट्यूट को तो ये बना अहमद रज़ा टीचिंग टेक्निक्स टाचपा ए आर टी टी सर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपना गोल्ड मेडल ले चुके हैं उनके साथ मेरिट सर्टिफिकेट ले चुके हैं मेरिट सर्टिफिकेट पता है किसी को सबको पता है या नहीं पता सर मेरिट सर्टिफिकेट इज अचुएशन वेयर यू स्कोर अ टॉप पोजिशन और टॉप मार्क्स इन एनी एग्जामिनेशन राइट आपने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया तो आपको आके आप देता है एक मेरिट सर्टिफिकेट सर इनके बहुत सारे जो बीज इन्होंने प्लांट किए सीड्स प्लांट किए उनमें एक नाम है आजकल सर आकाश आज सर हदय वसी इज अ राइजिंग स्टार एज वेल Uh, हम भी कुछ यू you नो know, कर लेते हैं थोड़ा बहुत राइट right? अच्छा जी एंड देन ही होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन द ऑल ऑफ़ द सी ए इन द सी एस्पायरेंट्स तो सर लेसन क्या सीखा हमने इनकी लाइफ से सर क्या सी करना वाकई बहुत मुश्किल है सर एक बंदा लियारी से कर सकता है तो हम कर सकते हैं नहीं कर सकता एक बंदा कर सकता है सिर्फ सर हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते है? कर सकते हैं सर अच्छा अच्छा, अब ना आपको आपके मतलब की चीज बताता हूँ कैन कैन यू वन कैन समवन नहीं बल्कि कैन एवरी वन टर्न अराउंड लुक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू वी हैव राइट नाउ इन दिस रूम जरा नजर दौड़ाएं कितने गिव मी अ नंबर हंड्रेड फिफ्टी कर लें फिफ्टी चलें सर फिफ्टी ये देखें वापस चल रहे हैं Uh, बल्कि आप आपसे पूछ लेते थे ना uh, कितने पैसे दे रहे थे हम लोग पीआरसी लेवल पे और कैफ के बल्कि पीआरसी रुकते हैं ना पीआरसी नहीं वो तो आपकी वो थी ना यार बीच में आईकैप uh, कैफ की फीस भी इन्वॉल्व थी एआर को कितना दे रहे थे एटी थाउजेंड सर एटी मल्टीप्लाई फिफ्टी करिएगा एटी थाउजेंड मल्टीप्लाई फिफ्टी करिएगा प्लीज फोर कितना फोर क्या नहीं नहीं सर फोर लाख फोर मिलियन फोर मिलियन फॉर दिस रूम ओनली राइट सर इसके अलावा आप जैसे कोई चार बैचेस बनते हैं और सही है मल्टीप्लाई दैट फोर मिलियन इंटू फोर सर करोड़ क्रॉस हो गया है ना अच्छा ये सिर्फ पीआरसी की कैलकुलेशन है सर इसके अलावा कैफ नाम की भी एक चीज़ होती है सही है कैफ में ओरिजिनल बैच भी होता है और कैफ में एक रिफ्रेशर बैच भी होता है सही है और कैफ में सर स्टूडेंट इससे ज़्यादा क्वांटिटी होती है या कम होता है ज्यादा होता है सो so, सर जब मैंने बोला था ना स्काई इज द लिमिट सो दिस इज एक्चुअली नॉट लाइक अनलिमिटेड इफ यू इफ यू नो वट यू डूइंग इफ यू नो हाउ टू मेक बिग यू कैन मेक बिग एंड दिस दिस इंडस्ट्री दिस क्वालिफिकेशन गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी तो सर हमने अभी तक देखा कि सी ए डिफिकल्ट नहीं है ठीक है इक्वल इक्वल चल रहा है सर परसेंटेज एक्सपेंसिव भी नहीं था कोई छः लाख के ऊपर गेम आई थी हमारी आई बी ए उसी से, सेम टाइम पे चालीस लाख चार्ज कर रहा था सर सैलरी भी ठीक ठाक है और अगर, अगर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें तो और मज़ेदार हो जाती है बात सर ड्यूरेशन तो आखिरी सवाल सर क्या सी ए करने में बड़ा टाइम लगता तो ये आपके जवाब हैं सर तो सर ये वो ये वो स्टूडेंट्स हैं मेरे बच्चों ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सी ए क्वालिफाई किया है बिफोर द एज ऑफ ट्वेंटी फोर और

तो यू कैन ईजिली अचीव द क्वालिटी ऑफ द लेक्चर्स एज यू कैन सी कि हमने कोई ठीक ठाक गैजेट्स अपने साथ रखे हुए हैं और हम उनकी मदद से बहुत अच्छे हाई क्वालिटी लेक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं द बिगेस्ट बिगेस्ट एडवांटेज मेरे बच्चों द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सी एज दैट वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ गैप बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स टीचर्स यहाँ पर आपको बड़े भाई की तरह Uh, दोस्तों की तरह बात करते हैं वी वी ट्राई टू एंटरटेन यू वी ट्राई टू हेल्प यू आउट जस्ट लाइक एंड टू एलाबरेट दैट फर्दर आई वु इनवाइट और मिस ओके लेडीज फर्स्ट यस प्लीज लाइक यू मीन इट वंस अगेन लाउड शी इज टू टाइम गोल्ड मेडल विनर फ्रॉम Karachi University she deserves your applause guys yes Yes. the mic you just press it from here alaikum okay. अब ऐसा है कि देखिए इकोनॉमिक्स के हवाले से ज़रा सब्जेक्ट के हवाले से थोड़ा सा बात कर लेते हैं जिनका बैकग्राउंड इंटर है उनको थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स की नुहाव होगी एम आई राइट कॉमर्स बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स हैं हैं हमारे पास यहाँ पे कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अच्छा बहुत थोड़े से हैं ठीक है तो इकोनॉमिक्स की थोड़ी बहुत नुआ होगी कि इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ रहे होते हैं व्हाट इज़ इट्स ऑल अबाउट लेकिन ये कि ज़्यादातर मैंने सी में ऑब्जर्व किया है कि प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल बैकग्राउंड से ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं हमारे पास अच्छा इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कभी आपने इसका नाम सुना हो तो आपके जहन में जो दो तीन टर्म्स आ रही होती हैं वो आपको लग रहा होता है कि भाई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पैसे के हवाले से कोई बात कर रहे होते हैं है ना स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसी बातें हो रही होंगी तो यस वन पार्ट ऑफ इकनॉमिक्स इज़ अबाउट फाइनेंस लेकिन इकनॉमिक्स इज़ मच मोर इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक्स का जो बेसिक आइडिया है ना अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो इट रिवॉल्वस अराउंड स्केयर सिटी यानी स्केरसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो क्या है लिमिटेड है ठीक है ना और जब हमारे पास कोई चीज़ लिमिटेड होती है तो हम क्या कोशिश करते हैं कि उस लिमिटेड चीज़ को ऐसे यूटिलाइज करें कि उससे बेस्ट जो है ना वो अचीव कर सके बेस्ट ले सकें तो इकोनॉमिक्स आपको वही डिसीजन मेकिंग पावर दे रहा होता है जैसे कि इकोनॉमिक्स uh, की जो ये प्रॉब्लम है ना कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड बॉन्ड्स या आपने सुना होगा ना गालिब का भी एक बड़ा मशहूर शेयर है हजारों ख्वाहिशें ऐसी बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले तो वो गालिब का शेर आपको ये सब समराइज करके बता रहा है कि भाई बहुत ख्वाहिशें पूरी हो गई लेकिन स्टिल एक रहता है ना कि यार कुछ रह गया तो इकोनॉमिक्स यही बात आपको मेन प्रॉब्लम यही है कि भाई हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं अब वो टाइम को ले लें हम पैसे को ले लें ले, या किसी भी रिसोर्स को ले रहे वो लिमिटेड है और हमारे पास करने को बहुत सा कुछ है ठीक है ना तो अब हमें क्या करना है हम उसी, हमें उसकी बेस्ट एलोकेशन करनी है जैसे हमारे पास अभी आ, साथ हमारे पेरेंट्स भी हैं आप लोगों के तो पेरेंट्स भी एक बड़ी अच्छे इकोनॉमिस्ट होते हैं क्योंकि अर्निंग मनी एंड देन एजुकेटेड इन अ बेस्ट पॉसिबल वे ये अब हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं ठीक है ना तो ये भी एक पार्ट है इकनॉमिक्स का इसी तरीके से इकनॉमिक्स आपको और क्या कुछ सिखाती है एक आपको इनफॉर्म सिटीज़न बनाती है ग्लोबल अफेयर्स आपको पता लग रहे होते हैं सराउंडिंग में क्या हो रहा है सम टाइम हम न्यूज़ देखते हैं हमें बहुत सारी टर्म्स ऐसे सुनने को मिलती हैं जो हमें समझ में नहीं आती ठीक है ना जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कुछ चीज़ें बहुत फ्रिक्वेंटली हमें सुनने को मिल रही होती हैं जैसे कि भाई पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कुछ सालों से नेगेटिव जा रही है सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट इतने बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है ठीक है ना जिसका बिजनेस सेक्टर पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है रुपी कंटिन्यूसली डी वैल्यू हो रहा है या रुपये की कीमत मुसलसल गिर रही है सुनने में आती है ना ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं ना अगर आपने कभी न्यूज़ चैनल खोला हो या कभी न्यूज़ पेपर पढ़ा हो तो आपको ये बहुत ज़्यादा चीज़ें सुनने को मिलती हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि भाई ये हमारी जो रुपी है इसके साथ मसला क्या है यही क्यों गिरता रहता है हर वक्त ठीक है ना कभी अच्छा, ये खबर सुनने को क्यों नहीं मिलती कि रुपी अप्रिशिएट हो गया या हमें ये क्यों सुनने को नहीं मिलता कि हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हो रही है हमें हमेशा यही सुनने को क्यों मिलता है या हमें गुड न्यूज किस फॉर्म में मिलती है कि सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व बढ़ गए डॉलर आ गए है ना ये एक गुड न्यूज स्टेटस पे लगा रहे होते हैं सब भाई सेंट्रल बैंक के रिजर्व बढ़ गए तो रिजर्व कैसे बढ़ते हैं और रिजर्व बढ़ने से होता क्या है तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको समझ में आता है लिंक करना समझ में आता है अच्छा ये क्यों ज़रूरी है ऑब्वियसली जब आप आगे जाते हो प्रोफेशनल आ, अपने लाइफ में स्टार्ट करते हो या कोई बिजनेस सेक्टर में आते हो तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए और जब आपको अपनी सराउंडिंग के बारे में पता होता है तो आप बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हो है हाँ ना तो इकोनॉमिक्स क्या करती है आपको ग्लोबल अफेयर्स सिखा रही होती है आपको पॉलिसी किस तरीके से पॉलिसी लग रही होती है उनका इफ़ेक्ट क्या आ रहा होता है इकोनॉमी पर या आपको उन पॉलिसीज़ को जहन में रखते हुए डिसीजन मेकिंग किस तरीके से करनी चाहिए कि आप रिस्क जो है वो मिनिमाइज़ कर सको ठीक है ना आपने अपने रिसोर्सिस को कहाँ एलोकेट करना है कि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सको तो एक ओल्डम awesome पिक्चर अगर हम हम देखें तो ये आपको एक बहुत अच्छा डिसीजन मेकर बता रही, बना रही होती है ठीक है ना तो जब आप आगे जाओगे आप सी एफ एस लेवल पेहरा पे जाओगे तो डिसीजन मेकिंग इज अ की ना आपको डिसीजन मेकिंग लेनी है तो ये आपको एक बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग सिखाती है आ, इसके हवाले से और आ, लेकिन ये सब्जेक्ट लेकर कैसे चलूँगी थोड़ा सा मैं आपको ये भी एक आइडिया दे दूँ तो बेसिकली एक तो भाई बुक है इकनॉमिक्स की जो आईकेब ने जो है वो बुक हर सब्जेक्ट की एक बुक है जो आई के आपको प्रोवाइड कर रहा होता है फिर ये होता है कि समटाइम स्टूडेंट्स के लिए वो पूरे चैप्टर समझना थोड़ी सी वर्डिंग्स मुश्किल लग रही होती हैं सारी चीज़ें होती हैं तो एक समराइज फॉर्म में आपको हैंड आउट्स मैं प्रोवाइड करूँगी जिससे आपको पूरे चैप्टर की पिक्चर एक पूरा समझ में आ जाएगा समरी आपको मिल जाएगी कि अच्छा ये चैप्टर जो है ना इसमें ये ये पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं ठीक है ना तो रिवीजन बड़ा अच्छा आसानी से हो जाएगा फिर हमें पता है कि भाई जो पेपर है वो एम बेस्ड पेपर है ठीक है ना तो जाहिर है कि एम बेस्ड पेपर है तो हर चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो एम में कैसे पूछे जा सकते हैं कैसे टेस्ट होंगे ये भी आपको पता होना चाहिए तो इसके लिए हमने क्या किया है कि भाई 2000 प्लस एम क्यूज जो हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करूँगी जो हम जब ड्यूरिंग क्लास जब हम चैप्टर अपना समझेंगे तो उसके बाद हम थोड़े थोड़े से एम सी साथ साथ क्या करते जाएंगे प्रैक्टिस करते जाएंगे और देन एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर ये देखने के लिए कि भाई हमें कितना समझ में आया ठीक है तो हम आ, मेरा ये बहुत ज़्यादा है कि मैं क्विज़ बहुत ज़्यादा कंडक्ट करती हूँ ठीक है ना तो हर चैप्टर के एंड में आपका एक क्विज़ होगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि भाई आपकी कितनी प्रिपरेशन हो रही है फाइनली ये कि जब एग्ज़ाम से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एम फ़ाइल प्रोवाइड करूँगी अच्छा ये इम्पोटेंट एम सी से आते हैं ये बेसिकली आप लोगों की तरफ से ही आते हैं जब स्टूडेंट्स पेपर देने जाते हैं और फिर वो आकर एक फीडबैक देते हैं कि भाई पेपर कुछ इस तरीके का था ठीक है कुछ ऐसे एम सी क्यूज़ थे तो उसको देखते हुए हमने कुछ डिज़ाइन करें इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज ठीक है ना जो कि आपको एक पे, पेपर का पूरा एक बहुत अच्छा आइडिया दे देते हैं कि भाई पेपर इस तरीके का आता है और लास्टली ये कि भाई आखिर में हम क्या करेंगे कि ग्रैंड क्विजेज़ वगैरह और मिट्रम वगैरह ये सब जो है वो कंडक्ट uh, करेंगे ताकि आप लोगों की एक अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाए तो ये एक पूरा कार होगा जिसके थ्रू जो है वो मैं ये सब्जेक्ट लेकर चलूँगी बाकी इन क्लास में हम इसको कंडक्ट uh, करेंगे तो फिर देखेंगे सी यू इन क्लास थैंक यू

आज हमारा पी का ओरिएंटेशन है यानी कि आज के इस दिन हम जानेंगे कि पी में क्या क्या है जो कि सर एलविन ने बखूबी बताया मेरा नाम शाजे पराचा है और एक ए सी से मेम्बर होने के साथ साथ एक ऑन्टरप्रन्यर भी हूँ और हमारे पास पी आर सी फाइव का जो सब्जेक्ट है इस ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस ठीक है यानी कि यहाँ पर जो कॉमर्स से एसोसिएट रखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बात पता होगी कि बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर या इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस अगर वो इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो उन्हें पता होगा कि बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हमारे जो पी आर सी फाइव का जो सब्जेक्ट है वो बेस करता है टेन चैप्टर्स पे और हर चैप्टर को इस तरह से अलाइन किया गया है कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसने आज से पहले कभी भी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस या बिजनेस स्टडीज़ के बारे में नहीं पढ़ा तो वो भी इस सब्जेक्ट को बसानी समझ सके क्यों क्योंकि देखें बिजनेस स्टडीज़ का जो हमारा यानी कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का जो सब्जेक्ट हमारे पी में है उसकी अगर मैं चैप्टर सीक्वेंस के हवाले से आप लोगों को थोड़ा बताऊं तो सबसे पहला चैप्टर आपको बताता है कि बिज़नेस करने का पर्पस क्या है तो मुझे शायद इस बात को समझाने की ज्यादा ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि बिज़नेस करने का पर्पस क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं कि बिजनेस करने का पर्पस क्या है तो आप लोग क्या कहेंगे दुआएं लेना पैसा बनाना तो पहले चैप्टर का पर्पस हमारा यहाँ पूरा हो गया कि भाई दुआएं लेने के लिए हम बिजनेस नहीं करते हम कायद आजम साहब के लिए पैसे मतलब बिजनेस करते हैं इसके बाद हमारे पास ओनरशिप के डिफरेंट टाइप्स हैं जिसके लिए हम चैप्टर नंबर टू पढ़ते हैं फिर हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है जैसे आप इस बिल्डिंग के अंदर आए तो इस बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर था हर जगह पे क्लासरूम नहीं बने हुए कहीं एडमिन रूम है कहीं आपने देखा होगा फीस सबमिशन रूम है कहीं पे आपने देखा होगा क्लासरूम है कहीं ऑडिटोरियम है हर चीज अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से बनी है इसी तरीके से बिज़नेस के बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं वो भी एक स्ट्रक्चर का काम करते हैं अब अगर मैं आपके हाथ की जगह पाँ और पाँव की जगह हाथ लगा दूँ तो माशाला कैसे दिखेंगे ठीक है फिर स्नैपचैट भी अच्छी नहीं बन सकेगी तो कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ को स्ट्रक्चर ही हमें कंडक्ट करना पड़ता है तो इसीलिए चैप्टर नंबर थ्री रखा गया जो कि हमें सिखाता है कि हम बिजनेस के अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनाएं इस सब्जेक्ट में सर अहमद रजा मीर खुद इस सब्जेक्ट को 35 फाइव टू फोर्टी परसेंट तक लीड करेंगे क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर जो हमारे पास एक चैप्टर है जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और कुछ दूसरा पोर्शन वो आपके कैफ के पेपर एम से पोटेन करता है तो सर अहमद मीर इस दफ़ा ख़ुद आपके इस सब्जेक्ट में यानी कि आपको पढ़ाएंगे गाइड करेंगे लेके चलेंगे तो इन उनसे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि जाहिर सी बात है वही आपके कैफ के सब्जेक्ट को भी लीड कर रहे होंगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एक ग्राउंड लेवल रियलिटी आपको मिल जाएगी अब हमारा यही सिलसिला चलता रहता है आईटी का आपको पता है बिज़नेस विदाउट आई टीज़ फेल्ड अगर हम बात करें आज के एजुकेशन सिस्टम की तो जब कोविड आया था कोविड से पहले जूम और ऑनलाइन एजुकेशन हालांकि मौजूद थे दुनिया में लेकिन हमारे पास इतना ज़रा फिमिलरिटी नहीं थी अगर आज बताया जाए तो आज प्रायोरिटी ज़्यादा है ऑनलाइन की कंपेयर टू फिज़िकल की रीज़न इंसान अब सुबह उठे कौन तैयार हो कौन आए तो ये काफ़ी प्रायोरिटी चेंज हो गई है ऑनलाइन में आने के बाद तो ये हमारे चैप्टर नंबर फाइव में यानी अगर मैं आपको बात करूं तो आपकी जो अभी करंट लाइफ चल रही है उसमें जिस तरह के स्टेप्स आपको देखने को मिलते हैं जैसे मार्केटिंग है अब मार्केटिंग लोग क्यों करते हैं कोई बता सकता है एनी आप में से या मैं रैंडमली किसी को भी आप हेलो हाँ सेल जनरेट करने के लिए और आप फीमेल यानी कहने का मकसद है अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस करने के लिए अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए लोगों को बताने के लिए कि हम कितनी यूनिक प्रोडक्ट ला रहे हैं तो चैप्टर नंबर एट आपका इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग फिर ये लोगों को हायर करना इट्स ऑल अबाउट यानी अगर मैं आपसे बात करूं कि इंट्रोडक्शन जो टू uh, बिजनेस का जो आपका सब्जेक्ट है वो आसान है वो अंडरस्टैंडिंग बनाता है और आपको सिखाता है कि आपको कैसे ग्रास रूट लेवल से एक हायर हेराकी तक लेके जाना इस सब्जेक्ट में एम सी क्यूज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो एग्जामिनर का जो एरिया है आपको असेस करने का वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि पहले यही सब्जेक्ट जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते थे बड़े बड़े पैराग्राफ लिख सकते थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यहां पर आपके पास जो सवाल में जो सही जवाब है उसको देने की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ चार ऑप्शन पे आ जाती है ऑप्शन ए बी और ए बी सी डी पे तो कहने का मकसद है जब हमारे बच्चे माशा बड़े अच्छे हैं जब वो एम सी क्यूज का सवाल करते हैं तो हैरत की बात है सारों के सारे जवाब सही नजर आते हैं अब ऐसे मौके पे बच्चे को काबिलियत दिखानी है कि वो किस तरीके से चारों में से कोई एक जो सबसे अच्छा जवाब है उसे टिक करे तो यही प्रैक्टिस से आएगा तो जैसे मैम ने आपको बताया कि उन्होंने 2000 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए इसी तरह हर टीचर ने हमने भी 2000 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं और प्रिपरेशन का मकसद यह है कि जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन आपकी होगी प्रैक्टिस होगी आपको अंदाज़ा होगा कि एग्जामिनर की डिमांड और एक्सपेक्टेशन एक स्टूडेंट से क्या है तो हर चैप्टर के एंड में टेस्ट का कंडक्ट करना आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना आपकी जो क्यूरीज़ है उसको रिजॉल्व करना क्योंकि एक चीज़ जो मैं नोट करता हूँ जब भी नया बैच होता है स्टार्ट होता है तो एक बैच के एक सीक्वेंस होती है लाइफ साइकिल होती है पहले लाइफ साइकिल ये होती है कि जब बच्चा पहले दिन आता है तो बड़ा शर्मीला होता है वो एडजस्ट करता है क्लास में एडजस्ट करते 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 उसे लग जाते हैं दस से पंद्रह दिन उस दस से पंद्रह दिन में वो कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं कर रहा क्योंकि वो अभी तक एडजस्ट हो रहा होता है टीचर एडजस्ट हो चुका होता है क्योंकि वो तो पढ़ाता है बच्चा एडजस्ट होता है दस से पंद्रह दिन तो उस दस से पंद्रह दिन के अंदर वो अपनी क्यूरीज को एडजस्टमेंट की बिना पे इस बिना पे कि टीचर मुझे कहीं जज ना कर ले मेरे क्वेश्चन से तो वो पूछता नहीं है तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ इंटायर ए आर टी फैकल्टी कि यहां हम आपको जज करने नहीं बैठे हम आपको ये बताने बैठे हैं कि आपको किस तरीके से इम्प्रूव होना है तो कभी भी आपको ये लगता है कि क्लास में अगर पूछूंगा तो मेरे दोस्त वगैरह मुझ पर हंसेंगे या क्लास फेलोज क्या सोचेंगे तो वी हैव अदर ऑप्शन टीचर्स आपको सपोर्ट भी करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे लेकिन यह है कि सवाल पूछने से यार कभी रुकना मत क्योंकि जितने सवाल आप पूछोगे इस देखो ये एक टू वे कम्युनिकेशन है मैंने पढ़ा दिया आप लोगों ने पढ़ा और उसे समझा ये तभी पता चलेगा कि जब जितने ज़्यादा सवाल आपके पास से आएंगे जिस तरह एक स्टूडेंट को इंप्रूवमेंट की जरूरत है उस तरह एक टीचर को भी अपने लेक्चर को इंप्रूव करने की बहुत ज़रूरत होती है ताकि वो ये बता सके कि यार मैंने जो अभी एग्जाम्पल दी उसमें दस क्वेश्चन हैं इसका मतलब यह है कि मैंने एग्जाम्पल हो सकता है जरूरत से ज़्यादा मुश्किल दे दियो तो चलो एक काम करते हैं अभी इसी कॉन्सेप्ट को एक आसान एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं अब जब मैंने दूसरी एग्जाम्पल के साथ बात समझाई वो दस जो सवाल आ रहे थे वो खत्म हो गए इसका मतलब मैंने अपने आप में इंप्रूवमेंट लाया तो बच्चों की क्यूरीज ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो गई तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लर्निंग कर्व बढ़ता रहे ना आप कभी बोर हो ना कभी आपके अंदर एंथज कम हो तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपकी कोई क्यूरी आ रही है उसे पायलअप मत कीजिएगा उससे फौरन पूछिएगा क्योंकि इससे होता क्या है कि आप जितना पायलप अप करते हैं फिर जब आप एक अपना बॉक्स खोलते हैं तो जब इतने सारे सवाल आते हैं आपके मुंह पे जैसे नहीं कोई पुराना डब्बा खोलते तो मिट्टी आती है वैसे ही आपके पास सवाल जब आते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है देखो एक, एक बच्चे का भी एक ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट है समझने की कोशिश करना एक बच्चे ने स्टार्टिंग कुछ डेज पढ़ा नहीं पढ़ने के बाद जब उसका दिल करता है यार आज थोड़ा सा मैं काम कर लेता हूँ पढ़ता हूँ वो किताब खोलेगा पढ़ना शुरू करेगा जब वो पढ़ना शुरू करेगा तो जाहिर सी बात है पंद्रह दिन पुरानी चीज जब वो आज पढ़ेगा क्या उस इफेक्टिवनेस से पढ़ पाएगा नहीं ना ठीक अब वो टीचर के पास जाएगा टीचर उसे क्या कहेगा एक सवाल का जवाब देगा दो सवाल का जवाब देगा और तीसरे सवाल में क्या करेगा वो बच्चे को ये सजेशन देगा जो कि बेस्ट होगी कि बेटा देखें आपको चाहिए कि आपके जितने सवाल है ना आप एक दफा लेक्चर को वापस देख लें अब बच्चा जाएगा बच्चा कहेगा डेढ़ घंटे का लेक्चर मैं देखूंगा मैं तो बच्चा नहीं देखता उससे क्या होता है कि फिर बच्चा उसी चीज को वहीं पे बंद करता है और फिर वो आगे बढ़ता जाता है फिर वो टीचर और स्टूडेंट के अंदर एक मिसकम्युनिकेशन एक गैप आ जाता है और वो गैप आने की वजह से क्या होता है कि जो बच्चा डे वन पे अपना इंटरेस्ट लेके बैठता है वो डे एंड पे अपना इंटरेस्ट लूज कर जाता है तो इस पूरी जर्नी के अंदर एक रिक्वेस्ट है कि जिस इंटरेस्ट जिस जज्बे के साथ आप आज आए हैं वो जज्बा आपने अपने अंदर कायम रखना है हर दिन बहुत अच्छा नहीं होगा हर दिन पढ़ने में बहुत मज़ा नहीं आएगा टीचर है कॉमेडियन नहीं है कि हर क्लास में आपको हंसाएगा कभी आपकी गलती में आपको डांटेगा भी अगर वो शाजिब पर नहीं है तो।, तो कहने का मकसद यह है कि देखें ये जर्नी जिस तरह आप लोग लेके चलेंगे क्योंकि पूरी जर्नी में आपका बहुत ज़्यादा आपके जो मेंटल स्टेट है उसको बड़ा मैनेज करना है आपने डीमोटिवेशन भी आएंगी आपको बता भाई यार आज पढ़ने का दिल नहीं कर रहा किस तरह से हम इसको कोप अप करेंगे कंसल्ट विथ योर तो रेलिवेंट टीचर एक सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लग रहा है आप टीचर से कंसल्ट करें क्योंकि ये पूरी जर्नी के अंदर अगर आप अपने टीचर से कंसल्ट नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा आप अपना जो इंटरेस्ट है वो लूप लूज कर जाएंगे और ऐसे लोगों से मशवरा लेना शुरू करेंगे जिनकी अभी तक अटैम्प चल रही है समझ तो गए होंगे ना तो कहने का मकसद ये है कि आपने उन लोगों से मशवरा नहीं लेना जो आपके साथ हैं या आपको जो सीढ़ियों पे देखेंगे जो आपको हर जगह पे देखेंगे आपने मशवरा लेना है अपने टीचर्स से ताकि वो आपको एक सेफ जर्नी और एक अच्छे तरीके से पास होने वाली जर्नी लेके चलनी है और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगा और जिसके साथ अपनी बात खत्म करूँगा देखें आपने कुछ बनने का सोचा है ना ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का आप ही ने सोचा है अब इसके लिए आपको हो सकता है अपनी सोशल एक्टिविटी को ख़त्म करना पड़े आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़े आपको आपके फैमिली इवेंट्स को ख़त्म करना पड़े आपकी जो पहले लाइफ थी उससे ज़्यादा आपको काम करना पड़े तो इसको कभी स्ट्रगल और सेक्रीफाइस का नाम नहीं देना ये स्ट्रगल और सेक्रीफाइस नहीं होता ये पार्ट एंड पार्सल अगर ये हटा दूं मैं ये हार्ड वर्क इस क्वालिफिकेशन से हटा दी जाए तो फिर ये दूसरों से डिस्टिंग्विश कैसे करेगी ये फिर वैसी होगी इस क्वालिफिकेशन को मुश्किल क्यों किया जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है अब अगर मेहनत ही आपकी वो नहीं होगी तो आप बताएं इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन आप कैसे ले सकते हैं विद नॉर्मल एफर्ट एंड एटीट्यूड ठीक है जी आई होप कि मैंने अपनी बातें क्लियर कर ली हूँ कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कोई ऐसा सवाल किसी का जो पूछना चाहे प्लीज रेज योर हैंड कोई नहीं सब क्लियर है चले जी क्लास में मुलाकात होती है अपना बहुत ख्याल रखें अल्लाह हाफिज सर थैंक यू ओके जी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ओके दैट वाज सर पराचा एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन सर अरसलान साथ में आप लोग सा है तो तो right. साठ okay. सत्तर बच्चों की parents, तो इस तरीके के आप जैसे बच्चे जिसके अंदर मेडिकल वाले शामिल होते हैं इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग के कॉमर्स के और एवल्स के स्टूडेंट्स को अराउंड में ढाई से तीन हजार के करीब पढ़ा चुका हूँ ठीक है ना इसके अलावा अगर फर्दर हम बात करें टीचिंग एक्सपीरियंस की अपने क्योंकि डे वन के ऊपर जानना बड़ा ज़रूरी होता है आप सबके लिए कि जिससे आप पढ़ने जा रहे हैं वो कौन है तो ए लेवल्स के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ जैसे एस वन और एस टू में पढ़ाता हूँ जो ए लेवल्स के स्टूडेंट्स से जानते होंगे इंटर कॉमर्स के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ इंजीनियरिंग के अंदर मैथ्स पढ़ाता हूँ मेडिकल वालों को कुछ नहीं पढ़ाता ठीक है ना तो ये एक सरप्राइजिंग है मेरे लिए भी अगर हम फर्दर इसको डिस्कस करें कि भाई हम पी आर सी टू किस तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं बहुत सारे टीचर अपने तरीके से गाइड करता है आप लोगों को तो पी आर सी टू पढ़ने का तरीका क्या होता है अच्छा देखिए डिफरेंट माइंड सेट का बच्चा हमारी क्लास में बैठा हुआ होता है कुछ बच्चा ऐसा है जो कि ग्रेजुएशन करके भी आया है जिसका माइंड सेट थोड़ा सा अलग है कोई ए लेवल्स का बच्चा भी है ठीक है ना कॉमर्स वाला भी है इंजीनियरिंग वाला भी है और इनफैक्ट मेडिकल वाला भी जिसने दो साल से तो मैथ्स ही नहीं पढ़ी ठीक है ना तो किसी की मैथ्स अच्छी है किसी की मैथ्स बेकार है तो हम सीक्वेंस को इस तरीके से लेके चलेंगे बेटा कि डे वन के ऊपर मेरे पास हम मैं कराऊंगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कि अगर मिसाल के तौर के ऊपर कोई चीज यूज हो रही है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स अगर एक टॉपिक हमारे पास हम पढ़ने जा रहे हैं तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स क्यों हमारे सीए के सिलेबस के अंदर इंक्लूड हुआ है सबसे पहला रीजन तो ये होना चाहिए हम क्यों पढ़ रहे हैं मेडिकल वाले को पढ़ाओ भाई एम वाले को पढ़ाओ सी वाले को क्यों पढ़ा रहे हैं फिर हमारे सिलेबस के अंदर स्टार्ट में क्यों डाला भाई कैफ के अंदर डालते थे इसको किसी सब्जेक्ट के अंदर ठीक है ना तो इस तरह के बहुत सारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन होंगे जो कि हम डे वन के ऊपर डिस्कस करेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सारे बच्चे एक पेज के ऊपर एक लाइन के ऊपर आ जाए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के बाद क्या होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के पास मैंने अपने बनाए हुए क्वेश्चन हैं जिसको प्रैक्टिस क्वेश्चन में बोलता हूँ सारे क्वेश्चन में क्लास में आपको कराऊंगा ठीक है ना अच्छा एक चीज और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मिसाल के तौर के ऊपर आई कैप के अंदर जब बच्चा पेपर देख आता है तो बच्चा मुझसे कहता है कि सर आपका आपने जो पढ़ाया था वो तो काफी डिफिकल्ट था और पेपर जो हम देखे हैं पेपर तो बिल्कुल आसान था ठीक है ये तो मेरा स्टूडेंट कह रहा है ना पढ़ाया हुआ जो स्टूडेंट उसी जगह पढ़ रहा वो तो कह रहा है भाई बड़ा मुश्किल पेपर था अभी आई के एफ स्टार्ट सर एलेवन ने आपको सामने दिखाया अराउंड फिफ्टी फिफ्टी थ्री परसेंट पासिंग ने वो तो आई के का था ना ओवरऑल ए आर टी डी बिजनेस स्कूल का तो नहीं था एआर टी डी बिजनेस स्कूल की बात करूँ तो इट शुड नॉट लेस देन नाइन्टी परसेंट ठीक है अराउंड कोई आठ दस बच्चे होंगे जो एक बैच के अंदर फेल हो रहे होंगे वो भी अपनी गलती की वजह से वही बताता हूँ क्यों ताकि वो मिस्टेक आप लोग ना करो सो so, भाई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हमने डे वन के ऊपर करी फिर उसके बाद प्रैक्टिस करी हमने अपने क्वेश्चन की जो कि मैंने आपको क्लास में कराए प्रैक्टिस करने का एक और आसान तरीका कि भाई मिसाल के तौर के ऊपर आईकेब के पेपर के अंदर सवाल आ रहा है डिफिकल्टी लेवल फोर के ऊपर फॉर एग्जाम्पल डिफिकल्टी लेवल फोर तक के ऊपर सवाल आ रहा है सो so हमारा क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हम किस लेवल तक की प्रैक्टिस क्लास में करें बताएं बट डिफिकल्टी लेवल फोर के ऊपर सवाल आ रहा है पेपर के अंदर हम कहां तक की प्रैक्टिस करें क्लास में सिक्स की कर लेते हैं बस बहुत है सिक्स में फोर तो कवर हो ही जाएगा ना फिर सेवन की कर लेते हैं एट की कर लेते हैं भाई मैक्सिमम मैं आपको क्लास में जो प्रैक्टिस कराऊंगा दैट इज डिफिकल्टी लेवल टेन टेन से ऊपर नहीं जाऊंगा मतलब डबल से ज्यादा हो गया टू पॉइंट फाइव हो गया ये तो ठीक है ना तो कराने का मकसद क्या है कि भाई फारिग है कोई और काम नहीं है भाई और करा दो, ना? नहीं उसका रीजन, रीजन बैठोगे ना भाई पेपर देने तो आपको हलवा लगेगा एडवांस में खुद डिस्कस करके आ रहा हूं, करके आ रहा हूं तो पेपर में जब बैठेंगे, तो पेपर एक जस्ट पीस ऑफ केक आपके लिए ठीक है तो कहने का मकसद ये एडिशनल प्रैक्टिस इसीलिए कराता हूं ताकि जब आप पेपर में बैठे पेपर में आपको कोई नई चीज नहीं देगी आपको लेगा इनफेक्ट ये तो बच्चों वाला पेपर है मेरे लिए बराबर में आपका दूसरा बच्चा बैठा होगा वो परेशान होगा सर पकड़ के बैठा होगा भाई मेरा तो पेपर ही नहीं, नहीं हुआ अब तक अच्छा दो घंटे की ड्यूरेशन होती है आपके पास फिफ्टी एम आपको डील करने होते हैं उसके अंदर आप जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ेगा वो ऑन एंड एवरेज डेढ़ घंटे में अपना पेपर वाइंड अप कर देगा क्यूएम का तो जो आधा घंटा बचेगा एडिशनल उसमें क्या करेंगे उसके अंदर मैं अपना पेपर रिकनसाइड करूंगा कि हाँ जिन क्वेश्चंस के अंदर मुझे एरर लगता था या जिन क्वेश्चंस में मुझे डाउट था कि यार ये दो सवाल थे या तीन सवाल थे मुझे इनके ऊपर डाउट लगता था उस टाइम के ऊपर तो मैं निकल गया सॉल्व करते टाइम अब मैं इन क्वेश्चंस को दोबारा रिव्यू करूंगा ठीक है ना अच्छा वो बच्चा जिसके पास टाइम ही नहीं था वो डे एंड तक अपना टाइम खत्म करते करते तक उसके बाद पता चला पांच क्वेश्चन पेंडिंग थे छह क्वेश्चन पेंडिंग थे ठीक है ना तो कहने का मकसद ये है एडिशनल प्रैक्टिस एडवांस लेवल की इशी लेकर आता हूं आप लोगों को ताकि आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको कोई नई चीज़ नजर नहीं आएगी आपको लगेगा यार ये तो सारी बच्चों वाली चीजें इससे एडवांस चीज में करके आ रहा हूँ अच्छा एडवांस चीज़ ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट डिफिकल्टी लेवल टेन पर चले जाएंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे डिफिकल्टी लेवल वन से और ग्रेजुअली हम अपनी क्लासेस को डिफिकल्टी लेवल टेन के ऊपर लेके जाएंगे ऐसा नहीं कि भाई बच्चा सोचे यार मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ ए लेवल्स वाले ने मैथ्स पढ़ी होगी उसका दिमाग अच्छा चल रहा होगा मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ के आया हूँ प्लस माइनस हो रहा था वहाँ पर तो और मैं डिफिकल्टी लेवल टेन तक कैसे जाऊँगा आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे ताकि सारे बच्चे ना एक लाइनअप हो जाएँ एक पेज के ऊपर आ जाए बात क्लियर होती है आप लोगों को इसके अलावा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के बाद सेकेंड चीज़ मैंने आपको बताया कि मैं अपने बनाए हुए क्वेश्चन की आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा ये हो गई सेकेंड चीज़ अब क्या करना है दूसरा चैप्टर डिस्कस करते हैं क्या बोलते हैं आप लोग बोलो ना बोलो पार्टिसिपेट करो ताकि थोड़ा पता तो थो चले कि टेस्ट तो नहीं लेंगे ना टेस्ट नहीं लेंगे भाई सारे टीचर्स टेस्ट ले रहे हैं क्यूएम का टीचर टेस्ट नहीं लेगा तो क्या कोई मसला है क्या हाँ भाई भाई असाइनमेंट कौन सॉल्व करेगा क्लास में जो तो सवाल मैंने कराए हैं वो तो मैंने खुद कराए ना आपकी एफर्ट थी उसके ऊपर नहीं थी वो तो क्लास में मैंने खुद डिस्कस करें आपकी एफर्ट कब सामने आएगी जब आप असाइनमेंट सॉल्व करोगे भाई जिस तरह से मैं जैनम ने कहा बाकी सर शादी ने कहा कि हर टीचर ने अपना अपना एक पैक बनाया हुआ एमसी क्यूजेस का सो so, मैं चैप्टर वाइज एमसी क्यूज आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड करता रहूंगा एक रीजनेबल टाइम दूंगा भाई सो so, क्वेश्चन है ना पांच दिन का टाइम है आप लोगों के पास रोजाना बीस सवाल करेंगे पांच दिन में ही असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद क्विजेस लूंगा ठीक है अच्छा मैक्सिमम और मिनिमम कितने क्विज होने चाहिए एक चैप्टर के ऊपर बोले पीछे पीछे से बताओ भाई मैक्सिमम एक क्वेज कितने होने चाहिए एक जो है एक चैप्टर के ऊपर सिंगल चैप्टर में टेन बट टेन तो बहुत ज्यादा होगा कुछ नहीं मैं टेन बोल देता हूँ चलो देखिए मिनिमम क्वेजेस मैं जो लूंगा आपके पास वो दो से तीन क्वेजेस लूंगा एक टॉपिक के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन के स्टूडेंट्स का फीडबैक कैसा है अगर तीन क्वेश्चन के ऊपर स्टूडेंट का फीडबैक मुझे लगेगा नहीं यार अच्छा फीडबैक आ रहा है अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो मैं उसको वहीं रोक दूंगा अगर नहीं लगेगा कि नहीं यार अभी भी 80 परसेंट रिजल्ट आना है हमने तो इसको 100 परसेंट पर लेके जाना ताकि एक भी बच्चा फेल ना हो तो हम एक और मजीद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ठीक है ना अच्छा बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों जो कि असाइनमेंट में आप लोग सॉल्व करोगे वो कंप्लीटली न्यू सीनैर्यू के होंगे अब इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि भाई यहां तक बच्चा हर नहीं पहुंचता कुछ बच्चा होगा वो स्टार्ट के अंदर एम एं, सी क्यू करेगा उसको लग रहा होगा मुझसे सॉल्व हो रहे हैं भाई कहानी तो अभी बाकी है ना आगे आएगा थोड़ा सा डिफिकल्ट तो स्टार्टिंग के अंदर सोल्व कर रहा होगा एंड में वो छोड़ देगा बोलेगा सॉल्व तो हो रहा है ना मुझसे मुझे सब कुछ आता है तो जिसका आता वाला एटीट्यूड है ना पेपर उसी का रुकता है या बात याद रखना तो हमेशा हम अपना एटीट्यूड ऐसे कहेंगे नहीं यार हमें कुछ नहीं आता और हम हर नेक्स्ट सवाल के अंदर कुछ ना कुछ सीखेंगे अपने पास तो कहने का मकसद ये है बेटा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो असाइनमेंट में आप लोगों से सॉल्व नहीं होंगे तो उनको हम छोड़ देंगे क्या उसका हल क्या है उसका अरे बोलो भाई डिस्कस करेंगे कैसे डिस्कस करेंगे क्लास में तो मेरे पास टाइम नहीं है फिर देखो हर टीचर क्लास के अंदर क्यूरीज डिस्कस एडिशनल नहीं कर सकता मैं पढ़ा रहा हूं चैप्टर नंबर फाइव चैप्टर नंबर वन की क्यूरी में क्लास में डिस्कस तो नहीं कर सकता ना क्योंकि फाइव की क्लास चल रही है हाँ उसका सेकेंड हल ये है कि भाई आप क्लास के बाद टीचर से अपने पास टाइम ले लो पीआर या कैफ लेवल के ऊपर जितने भी टीचर्स हैं कोई एक सिंगल टीचर आपको ये नहीं मना नहीं करेगा कि नहीं भाई मैं आज आपको टाइम नहीं दे सकता आप ना अपना काम खुद करें खुद देखो खुद मैनेज करो कोई ऐसा सिंगल टीचर है जो आपको मना नहीं करेगा ठीक है ना सो so, क्लास के बाद टीचर से टाइम लेने के साथ मुझे कुछ क्यूरीज हैं डिस्कस करना है इन टाइम दे दीजिए प्लीज ठीक है ना नहीं हो सकता तो व्हाट्सअप जिंदाबाद अच्छा व्हाट्सअप का भी इस्तेमाल करने का एक तरीका है मैं आज बता रहा हूं ताकि आप लोग के जहन में रहे एक बच्चा होता है वो दस सवाल एक साथ मैसेज करता है इसमें मसला इसमें मसला इसमें मसला इसमें, इसमें मसला एक दफा का सिनेरियो क्या हुआ भाई दस सवाल आए मैं एक का वॉइस नोट भेज रहा हूं दूसरे का वॉइस नोट भेज रहा हूँ पता चला भाई एक का वॉइस नोट भेजा दो मिनट का दूसरे का भेजा एक मिनट का बच्चा कह रहा था पहला वाला सवाल समझ ही नहीं आया मेरी ठीक है ना तो कहने का मतलब क्या है फिर उस पर टाइम अगर लगाया बीस पच्चीस मिनट तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है एक सवाल मैसेज करो एक का आ जाए फिर दूसरा सवाल मैसेज करो फिर दूसरे का आ जाए तो इस तरीके से काम चलता रहेगा एक साथ दस भेजोगे दस का रिप्लाई आना बहुत मुश्किल है ठीक है ना एक एक करके भेजो एक एक करके डिस्कस करते रहो लेकिन जब आप फिजिकल टीचर से आप अपने पास सेटअप करते हो टाइम का तो वहां पर तो दस या पचास सवाल आप डिस्कस कर लो तो कोई इशू नहीं होता गिवन टाइम के अंदर तो कहने का मकसद यह है बच्चों के डे वन के ऊपर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे उसके बाद प्रैक्टिस में क्लास में कराऊंगा सेकेंड थर्ड थिंग में आपको असाइनमेंट दूंगा असाइनमेंट डिस्कस कर लूंगा पर्सनली और फिर फोर्थ चीज के ऊपर हम करेंगे क्विजेस कंडक्ट ठीक है ना सो ये चार चीजें ऐसी हैं जो कि आपको डिफ्रेंशिएट करेंगी यहाँ के स्टूडेंट और मार्केट के स्टूडेंट्स हैं जब भी मैंने कहा था कि एआरटीटी का जो पासिंग रेशो है वो 90 परसेंट से नीचे नहीं है 90 परसेंट एंड अबव ही है ठीक हो गया तो इसी तरीके से हम अपने पास पी आर को लेके चलेंगे एंड में एक छोटी सी बात करके मैं ख़त्म करता हूँ आप लोगों ने सुना होगा भाई सी के अंदर पेपर बहुत रुकते हैं बच्चों के सुना है नहीं सुना है भाई मैंने तो सुना है अपनी लाइफ के अंदर आप लोगों ने सुना है नहीं सुना है, मैंने को नहीं पता है भाई सुना है उससे रीज़न पूछा कभी क्यों कोई मैं बोलूंगा कोई बेवकूफ है आई कैफ नहीं आई कैफ तो एक बहुत प्रोफेशनल बॉडी है भाई या आई कैप की किसी पर्सनल एक बच्चे से पर्सनल दुश्मनी है आईकेब तो जानता ही नहीं है हमें तो फिर आई केफ ऐसा क्यों कर रहा है पासिंग रेशो कम क्यों हो रहा है बच्चा फेल क्यों हो रहा है बच्चा फेल अपनी गलती की वजह से हो रहा है आईकेफ की वजह से फेल नहीं हो रहा वो ब्लेम क्या भाई मैंने तो सही पेपर किया था भाई सही पेपर किया था तो पास क्यों नहीं हुआ दूसरा तो बच्चा तो पास हो गया तो मिस्टेक आपके अपने अंदर होती है जिसको आपने फाइंड करना होता है दूसरों को ब्लेम देने से नहीं होता जो बच्चा फेल हो रहा होता उसकी है उसकी प्राइमरी गलती ये होती है कि वो कुछ टाइम तो फिजिकल क्लासेस प्रेफर करता है नया नया बच्चा होता है दस पंद्रह सर शादी ने बताया एडजस्ट होने में एक डेढ़ महीने वो दो महीने फिजिकल क्लासेस लेता है फिर उसको लगता है कि नहीं यार अब बस हल्के में लो इसको तो हो जाएगा सीए तो वो हल्के में लेने के चक्कर में कभी फिजिकल लेता है कभी ऑनलाइन लेता है फिर एक वक्त आता वो कंप्लीटली ऑनलाइन चले जाता भाई गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है आज ऑनलाइन क्लास लेंगे पेरेंट्स भी बोलते हैं हाँ बेटा ऑनलाइन ले लो सर अहमद की मिसाल सर अहमद जब ब्रेकी में जॉब करते थे फीवर होता था मेडिसिन खाने के पैसे नहीं होते थे फिर भी साइकिल के ऊपर ट्रेवल करते थे क्योंकि एक ही हल था कैंपस के ऊपर क्लास लेना और तो कोई हल नहीं था तो ऐसे लोग सेक्रीफाइस होते हैं वो कामयाब होते हैं जो कुछ चीजें सेक्रीफाइस करते हैं अपने ऊपर सारी चीज़ें सोने का चमचा मुंह में लेके कोई बंदा साठ अकाउंटेंट नहीं बनता ये या बात याद ना रखिएगा ठीक है ना तो कहने का मकसद ये बेटा मेहनत करनी है और मेहनत करनी है करेक्ट डायरेक्शन में अच्छा मेहनत हर सब्जेक्ट की अलग अलग करनी है इकोनॉमिक्स के लिहाज से अलग मेहनत करनी है आईटीबी के लिहाज से इंग्लिश के लिहाज से क्यू के लिहाज से अलग अलग मेहनत करनी है अब सर बात तो ये आ गई कि मेहनत तो चलो बच्चा तैयार है मेहनत करने के लिए मैं तो बस दीवार गिरा दूंगा ये आपका भाई कर लेगा वो आपका भाई है बस कर रहा है ठीक है कर रहा हूँ मैं दूसरी चीज ये पेरेंट्स के लिए मैं बात ये बोलूंगा कि हम देख रहे हैं ना हमारा बच्चा पढ़ रहा है वो बच्चा उस टाइम के ऊपर जो है ना थोड़ा सा आगे पीछे होना शुरू होता है जब वो बोलता है अबो मैं रात में पढ़ूंगा आपके सोने के बाद मैंने तीन घंटे पढ़ाई करी अब्बा तो सोगा तीन घंटे किसको पढ़ाई करी भाई तुमने तो एक फॉलो अप लाजमी रखना होगा सर पे एक डंडा होगा कि नहीं भाई पढ़ने बैठो टाइम हो गया अच्छा पढ़ाई कैसे की जाए हर सब्जेक्ट का टीचर कह रहा है भाई बहुत पढ़ना है बहुत पढ़ना है बहुत पढ़ना है बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। बच्चा ही पागल हो गया बोलो मैंने तो कहाँ पढ़ने की आदत ही नहीं है इंटरमीडिएट में पेपर दिए मैंने फाइव ईयर से निशान लगाकर याद भी फाइव ईयर से किया था और बोलो तीन महीने पहले तो कोचिंग का मुंह देखा था एलेवल्थ में भी एस होता था पेपर का बेंच मार्क बनाया हुआ चल मेरा भाई पेपर हो गए थ्री ए एक आ गया दो एक आ गया ए भी आ गया यहाँ भी एस्सी नब्बे परसेंटेज आई भी है पेरेंट्स भी खुश बच्चा भी हो भाई हमारा बच्चा जीनियस है सी आता फेल हो जाता है रीजन पता ही क्या है वो पुरानी अप्रोच लेके यहाँ पेपर देना चाहता है भाई पुरानी अप्रोच जो है वो जिस सिस्टम से होकर गुजर रहे हैं उसने हमें इंतहा का बेकार कर दिया है किसी काम का नहीं छोड़ा हमारे सिस्टम ने अब हम जाते हैं प्रोफेशनल लेवल के ऊपर तो प्रोफेशनल लेवल में प्रोफेशनल तरीके से स्टडीज करनी होती है बजाय इसके कि नहीं कि हम इंटर वाली अप्रोच लेके सीए के अंदर पेपर दें आ रही है मेरी बात समझ में तो अप्रोच क्या होगी वो रेलिवेंट सब्जेक्ट का टीचर आप लोगों को गाइड करेगा ठीक है ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और बात करके ख़त्म करूंगा अपनी बात भाई मिसाल के तौर तो पर पानी की टंकी देखी आप लोगों ने घर में पानी आता है ना पानी स्टोर भी करते हैं हम टंकियां है, पानी चढ़ाते हैं मोटर से तो पानी की टंकी के अंदर हज़ार गैलन पानी है है मैं बोलूं भाई एक साथ पी लो पी सकते हैं भाई जवाब दें रिस्पॉन्स दें कम से कम गर्दन गर्दनी हिला दें नहीं पी सकते क्यों भाई पेट फट जाएगा जगह थोड़ी है लेकिन क्या मैं उसको हफ्ते दस दिन महीने में पी सकता हूँ एक महीने में पी सकता हूं भाई रोज थोड़ी थोड़ी देर बाद एक गिलास पानी पीऊंगा तो उम्मीद है कि खत्म हो जाएगा और एक वक्त आएगा कि हो ही जाएगा खत्म तो कहने का मकसद ये बेटा कि जरूरी नहीं है कि पांच सब्जेक्ट आपने देने रोजाना हर सब्जेक्ट को दो घंटे देने बोलो दस घंटे तो ऐसे ही होगा मैं सोऊंगा कब दोस्तों में कब जाऊंगा फैमिलीज में कब जाऊंगा ठीक है ना तो कहने का मकसद ये थोड़ा तो कर सकते हैं आधा घंटा तो दे सकते हैं या नहीं दे सकते भाई आज आधा घंटा दे देखो आज इकोनॉमिक्स आधा घंटा पढ़ो इंग्लिश आधा घंटा पढ़ो अकाउंटिंग आधा घंटा आधा आधा घंटा दे दूंगा तो ढाई घंटे होंगे ढाई घंटे में समझता हूँ आसानी से आप निकाल सकते हैं सात दिन के अंदर और कोई काम तो है ही नहीं या और कोई काम है घर में और कोई काम है ही नहीं सिर्फ पढ़ना है पैसे हम बाबा दे रहे हैं खर्च करने और तो कोई काम है ही नहीं कोई जिम्मेदारी है ही नहीं कि भाई नहीं अब तो जॉब पे जाना है ला पैसे कमाने घर में राशन कैसे डलेगा कोई इस तरह की रिस्पॉसिबिलिटी नहीं है आप लोगों के ऊपर सिर्फ एक काम है पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है हाँ थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ लो कैंपस पे छः बजे क्लास ऑफ हुई छः बजे से ऊपर क्लास नहीं होगी कैंपस के ऊपर छः बजे क्लास ऑफिस ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेवल भी किया एक घंटे बाद घर पहुंच जाओगे सत बजे सात बजे पहुंचने के बाद रिलैक्स करो घंटा दो घंटा आपने रिलैक्स किया आपने माइंड बनाया भाई बारह बजे मैंने सोना है दस बजे पढ़ने बैठे दस से बारह पढ़े बारह बजे सोने खत्म हो गई बात लेकिन अब नहीं हमने तो चार घंटे तो रात को मोबाइल चलाना और छः घंटे मोबाइल चलाना तो भाई मोबाइल चलाने वाला चार्ट अकाउंटेंट नहीं बनता ये बात याद रखना ठीक है तो कहने का मकसद ये है कि सारी मेहनत एक साथ नहीं करनी थोड़े थोड़े हिस्सों में करनी है रोजाना थोड़ा थोड़ा करना है एक वक्त होगा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे कोई ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है जो बगैर मेहनत के बनाओ या जो एक फारे को आप बोलो भाई ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप वाकई हर बच्चे हर बंदे को देख के बोलेंगे कि भाई ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है लगता है कि मेहनत करके आया है पढ़ा लिखा है जाहिल चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते ठीक है ना तो इसी गुफ्तु के साथ मैं एंड करता हूँ इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो कि हम क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे लेकिन चूंकि लिमिटेड टाइम है तो उसमें भी मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया है ठीक है किसी का कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो मुझसे पूछ लें वैसे उम्मीद है सवाल होगा नहीं जी कोई सवाल नहीं किसी का किसी पेरेंट्स वगैरह का कोई सवाल जहन में आया हो तो जी जी अच्छा देखिए उसकी पासिंग रेशो पता ही क्या है हर लेवल के साथ साथ मेहनत ज्यादा करनी है या नहीं मेहनत ज्यादा करनी है ना मैट्रिक में मेहनत कम करनी थी फर्स्ट ईयर में मेहनत ज्यादा करनी थी सेकंड ईयर में उससे ज्यादा मेहनत करनी होगी जब ग्रेजुएशन में आऊंगा उससे ज्यादा मेहनत करनी होगी तो अगर पीआरसी के अंदर एक टीचर बोल रहा है कि भाई आप एक वीक के अंदर क्यूएम को कम से कम भी दस घंटे देने तो कहने का मकसद ये कि जब आप कैफ के अंदर आओगे अभी एफ वन का रिजल्ट था अराउंड सबसे खराब को सत्ताईस अट्ठाईस परसेंट था ट्वेंटी सेवन पॉइंट सेवन परसेंट था अट्ठाइस परसेंट उसका मेन रीजन पता है क्या है बच्चे ने पांच पेपर दिए पांच पेपर क्लियर हो गए उस टाइम के बाद जोर जज्बा भी था बच्चे ने भाई नया नया सी करना है खानदान में बात फैल गई कि हमारा बच्चा सी कर रहा है आज ही पेरेंट्स बता देंगे हमारा बच्चे ने तो सी में एडमिशन ले लिया बच्चा डॉक्टर अकाउंटिडेंट तैयार है बनने वाला है अब बच्चा भी छोड़ा सब कुछ मधे मधे में चल रहा है तो कहने का मकसद ये कि पहली स्टेज के अंदर तो उसने बहुत मेहनत करी पांच के पाँच पेपर निकाल लिए पेरेंट्स ने फोन भी किया भाई हमारे लड़के ने पांच पेपर निकाल लिए अगला पता चलेगा क्या अब बच्चा खूब हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंट हो चुका है कि भाई आपका भाई तो अब पेपर कैफ के भी निकालेगा चार पेपर कैफ के निकालेगा उसी अप्रोच रखे फिर उसको कि नहीं यार QM को आठ घंटे में भी काम हो जाएगा एफ आई आर घंटे पढ़ूंगा हफ्ते में हो जाएगा काम उस बेवकूफ को यह नहीं पता कि भाई एफ आई एक और टेक्निकल सब्जेक्ट है क्यूएम को अगर दस घंटे चाहिए तो, तो को चौदह घंटे चाहिए होंगे हफ्ते के अंदर आप चौदह घंटे की जगह आठ घंटे के ऊपर आ गए तो पता ये क्या जो छह घंटे आपने एक हफ्ते के शॉर्ट करे तो छह के कितने भाई छह महीनों के कितने होगा पर उसी वजह से क्या होता है कि सत्ताईस अट्ठाइस परसेंट रिजल्ट आ रहा होता है आपका ठीक है ना तो इसमें स्टूडेंट की गलती होती है कि वक्त के साथ साथ हमने मेहनत ज्यादा करनी है कैफ के अंदर आएंगे ज्यादा मेहनत करनी होगी सी जाऊंगा और मेहनत करनी होगी सी फैफ की लाइफ कैसे गुजारेगा बंदा सुबह नौ से साढ़े छह बजे तक तो फम में होगा पर ऑडिट सीजन भी आएंगे ऑडिट सीजन के अंदर लेट शिटिंग भी होगी कुछ कुछ डेज तो फिर पढ़ाई कैसे करेगा बताएं ऑनलाइन तो करेगा लेकिन टाइम कैसे निकालेगा ना भाई एक बच्चा सुबह नौ बजे फर्म में घुसा साढ़े छः बजे भी फर्म से निकला तो सात बजे आठ बजे घर पहुंचेगा वो थक चुका है भाई सारा दिन स्क्रीन घूर के आ रहा हूं अभी भी स्क्रीन घूरूँ लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पूरा पूरा सीफेप देते हैं मेरे अपने दोस्त ने पूरे सीफेप के छः पेपर दिए पांच पेपर पास आउट कर लिए पांच पेपर ऑडिट सीजन के अंदर रात को दो बजे घर आता था बच्चा ठीक है हो गया दो बजे घर आता था फिर छः पेपर दिए पांच पेपर पास आउट कर लिए इसके अलावा नेक्स्ट अटैम्प में उसने तीन पेपर दिए एमएसए वन एमएसए टू और सी फैफ सिक्स एमएसए टू के अंदर जो सी ए का आखिरी पेपर है उसके अंदर गोल्ड मेडल भी लेके आया ठीक हो गया तो जब ऐसे लोग ये तो कोई इंसान के बच्चे ना जिनके बच्चे थोड़ी हैं ये भी तो इंसान के ही बच्चे हैं चलो हम नहीं कहते कि यार छह पेपर दो पांच निकालो तीन दे के तीन तो निकाल लो तीन तो दे सकते ना आधे तो देंगे ना हम भी क्वालिफाई हो जाएंगे वो भी क्वालिफाई हो जाएगा तो आ रही है मेरी बात समझ में तो कहने का मत चाहिए कि बेटा मेहनत करनी है और डेली बेसिस के ऊपर थोड़ी थोड़ी करके आदत डालेंगे एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ी थोड़ी अगर डालेंगे वक्त के साथ साथ खुद ही पेस इंक्रीज हो जाएगा हमारा मेहनत का आ रही बात सुन में चलो बस फिर मैं यही एंड करूंगा इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें क्लास में डिस्कस करेंगे ठीक है ना अल्लाह हाफिज किसी का कोई सवाल हाँ पी आर सी पेपर का सीक्वेंस पांच पेपर है बस देखो पांच पेपर एक साथ दो और एक साथ निकालो ठीक है पांच पेपर सारे बड़े पेपर्स दिए हैं ठीक है ना अकाउंटिंग मैथ्स इकोनॉमिक्स हर पेपर का डिफिकल्टी लेवल अलग है सो तो कोशिश ये करिएगा कि पांच पेपर एक साथ ऑप्ट करके पांच ही एक साथ दिएगा निकल जाएंगे इन पेपर्स फिर जब कैफ के अंदर आएंगे तो फिर तीन तीन की स्ट्रेटेजी बना लेना आठ पेपर ना तीन पेपर एक अटैम्प में तीन पेपर एक अटैम्प में किसी का दिल चले कि नहीं भाई मेरे तो चार पेपर देने तो चार चार देके दो अटैम्प में फारिक कैफ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने चार साल चार वो चार चार पेपर करके दिए कैफ के अंदर एक साल में कैफ पूरा निकाल लिया तो पता ये चला कि वो एक साल और छह महीने पीआरसी के या चार साढ़े चार महीने वो सवा साल के अंदर वो कैफ क्वालिफाइड हो गया अब आर्टिकल्स कर रहा है तो जल्दी क्वालिफाई कर लेगा वो लेकिन हमें जल्दी से गर्ज नहीं है हम स्लो पेस में जाएंगे लेकिन एक अच्छा पेस में जाएंगे तीन तीन पेपर करके दे पी के अंदर तो पूरे पांच पेपर एक साथ पढ़े और पूरे पांच पेपर निकाल लें आराम से निकल जाएंगे ठीक है और कोई सवाल किसी का किसी का कोई सवाल नहीं है खुश रहे सब लोग चलें ठीक है अब मैं सर काशिफ को इनवाइट करूंगा जो कि आपके अकाउंटिंग के टीचर हैं और फर्दर डिस्कशन वो करेंगे आप लोगों के साथ अल्लाह काशिफ कसर काशिफलैक फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमली सॉरी है कि आई गॉट लेट बिकॉज घर पे एक पर्सनल फैमिली फंक्शन है ड्यू टू विच मैंने बस थोड़ा टाइम निकाला मेरे आपसे आगे थोड़ा सा हाई हेलो हो जाए और थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए अबाउट दी अकाउंटिंग सब्जेक्ट सर आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं वी हैव लाइक अ 50 50 issue. 50 रेशियो वो है जो साइंस वाले वो है जो कॉमर्स वाले हैं और सर जो साइंस वाला बच्चा होता है ना इसका सर एक बड़ा इश्यू आता है जब वो इस प्रोफेशन को जब चूज कर रहा होता है ही विल से लाइक यार चार्टर्ड अकाउंटेंट तो यहां पे बेसिकली क्या होगा अकाउंटिंग होगी है ना और वो अकाउंटिंग को सुनिए कहता है मुझे तो अकाउंटिंग से यही आती है ए सी सी ओ यू एन टी आई एन जी स्पेलिंग के अलावा कुछ भी हमें सिखाया नहीं है तो सर अगर तुम लोग अपनी जिंदगी के चार साल पहले चले जाओ ज़्यादा नहीं कितने जो साइंस वाले बच्चे थे बेसिकली मैं साइंस वालों से वो कर रहा हूँ तो सर आप लोगों ने कभी जिंदगी में बायोलॉजी भी नहीं पढ़ी होगी फिजिक्स भी नहीं पढ़ी होगी न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स नॉर्थ पोल साउथ पोल फिर ट्रैक करवाना मैग्नेट ये वो तब भी सर एक चीज़ क्या थी बिल्कुल न्यू थी बट क्या उस वक्त आप लोगों ने अपनी बिल्कुल ही होप्स क्या छोड़ दी कि नहीं यार हमसे नहीं होगा हम छोड़ देते हैं हम जा रहे हैं कहीं और हाँ हम वही जो है सलीस उर्दू वो पढ़ लेंगे इस्लामियात पढ़ लेंगे बचपन से हमने उर्दू बोली हुई ये सब सही है ये साइंस में हमारे बस की बात नहीं है नहीं ना सर जब आपके पास विल होती है वहाँ पर आपके पास वे आउट आ जाता है तो सर अकाउंटिंग इज़ नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट इज नॉट एट ऑल और अब सर यहाँ पर माशाला काफ़ी पेरेंट्स भी हैं आप लोग भी हैं तो सर आप लोगों ने जिंदगी भर जब आप लोग फर्स्ट क्लास में आएंगे आपको ये बता दूंगा कि सर फ्रॉम डे वन यू गाइज आर डूइंग अकाउंटिंग इन योर ओन लाइफ और आपको हो गया सर अच्छा ये जो हम कर रहे थे उसको अकाउंटिंग कहते हैं हम कहेंगे हाँ बेटा बिल्कुल इसको अकाउंटिंग कहते हैं तो सर अकाउंटिंग इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट तो अपने दिमाग से ये चीज तो हटा देना दूसरी चीज सर वैन वी कम टू दिस प्रोफेशन सर नेगेटिव लोग ज्यादा आते हैं और वो क्या कहते हैं कि यार नहीं हो पाएगा साइंस वाले हो छोड़ दो डॉक्टरी करो इंजीनियरिंग करो ये सब चीज तो सर हमेशा जब भी हमें कोई डिसीजन कैरियर का लेना होता है सो so, हम सक्सेस स्टोरीज को देखते हैं या फेलियर स्टोरीज को देखते हैं सर आज आपको मोटिवेट कौन करता है मलिक अपना मलिक रियाज और ये आपके अंबानी और टाटा वगैरह अंबानी तो आजकल बहुत फेमस चल रहा है ना इंस्टाग्राम पे चौथी वेडिंग तीसरी वेडिंग और ये सब कुछ चल रहा है फुल कवरेज हो रही है आ? जो उसके बेटे की हो रही है तो सर ये जो सक्सेस स्टोरी जो बिजनेसमैन है सर दे ऑल हैव स्टार्टेड फ्रॉम जीरो आज सर इंक्लूडिंग मी नहीं मैं तो नहीं बाकी मैक्सिमम मैक लोगों का पूछे उनसे पूछना तो लाइफ का गोल क्या है गोल एक ही है या सर पाकिस्तान छोड़ के जाना है ऐसा ही है वी डोंट टू लिव इन दिस कंट्री पता नहीं हमारे अब्बा लोगों ने कब आज तक हम कैसे संभाला है कैसे वो पूरा कर रहे हैं आज तक बिजली के बिल पूरे कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं पढ़ाई इतनी महंगी हो गई जब तो हमारे बच्चे होंगे और पढ़ाई के लायक होंगे तो, तो सर हमें तो नहीं पता उनको पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे ऐसा ही ना सर ये सब चीजें दिमाग में इफेक्ट आता है और बाहर जाने के लिए बंदा सोचता है तो सबसे पहले कहता है यार साढ़े सात आठ लाख रुपए साइड पे कर लो किसके लिए कंसल्टेंसी के लिए, लिए? वही जो आप किसी वेबसाइट पे जाके उनकी जो इमिग्रेशन की जो वेबसाइट होती है वहां पे पूरा प्रोसेस देख लें फिर भी यू गाइस सेड है नहीं यार हमें क्या चाहिए कंसल्टेंसी फिर वहां से वीजा स्पॉन्सरशिप वो वहां से आपको नहीं मिलती बंदा कहता तो है विजिट वीजा लेके जाते हैं फिर जाके क्या करते हैं जॉब सर्च करते हैं बट सर दिस प्रोफेशन इज द वन जहां पर आपको ये सर्च करने की जरूरत नहीं है आपको खुद क्या होगा आपने यहां बैठ के अप्लाई करना है आपको खुद यहां से वहां बुलाया जाएगा जो आपकी टिकट्स वीजा इंक्लूडिंग एक महीने का फोर स्टार होटल बाहर का स्टार होटल यहां के सेवन स्टार के बराबर होगा जो बाहर के जो होटल्स हैं आपके तो सर वहां पर जब हम जाते हैं तो सर एक महीने का होटल भी किसी तरह से होता है कंपनी तो की तरफ से भाई होटल में रहें आप सुकून से और हम आपको उसके पैसे देंगे फिर आप मीन टाइम क्या कर लें अपना घर वगैरह ढूंढ लें तो सर इट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम वेर यू नीड टू डिसाइड वेदर एंड वेस्ट प्रोफेशन डू यू वॉन्ट टू चूज अपने कैरियर में आपको आगे कहां पर जाना है सो so, सर बात अगर मैं करूं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की तो सर जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं सर माशाल्लाह से कोई छह साल हो गए पढ़ाते हुए और कोई आठ हजार से बच्चे ऊपर पढ़ा के जा चुके हैं सही तो सर ये जो कॉमर्स वाला बच्चा आता है ना जो मैंने कॉमर्स वालों के लिए आइडेंटिफाई किया है सर ये लोग पढ़ के तो जरूर आते हैं इनको समझ में चीजें नहीं आती एंड सर दे रियली गेट एक्सपोज जब आपके पास आपको सर एलविन ने बताया होगा सी ए का जो लेवल टू है वो कैफ का लेवल है और कैफ के अंदर जो पहला पेपर है वो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वन का सब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वन का अनफॉर्चुनेटली सबसे लोवेस्ट पासिंग रिजल्ट एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स व्हाई क्योंकि सर जो मेजॉरिटी कॉमर्स वाला बच्चा आता है उसको मिल जाती है एग्जाम्शन जब वो एग्जाम्शन लेता है फिर वो पढ़ना प्रेफर नहीं करता और जैसे ही वो अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ना वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर नहीं हो किसका है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब वो अकाउंटिंग नहीं आती आप रिपोर्टिंग कैसे करोगे और वहां पर जो टीचर होगा वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता

हो रही है सर हो रही है क्यों हो रही है ये किसी को नहीं पता कॉमर्स वाले बहुत सारे बच्चों को मैं भी पूछ लू कि एक्सपेंसेस कितने किस्म के कोई बताएगा एनीवन कॉमर्स वाले जिन्होंने हाथ नहीं, हाँ नहीं उठाया तो कॉमर्स वाले थे ना माशाल्लाह पढ़ के आ यार दो साल अकाउंटिंग हा सर एनी वन इनकम कितने किस्म की है बता दो यार साइंस वालो देख रहे हो सेम पेस उनको भी कुछ नहीं आता तो ये भी एक बड़ा फैक्टर आता है क्लास में आके या सर आप सवाल देते हैं वो कर लेते हैं वो कॉमर्स वाले हमारा इस तरह की बेस नहीं बनी हुई नहीं सर उनको भी कसम से कुछ नहीं आता उनको बस ये पता है होता कैसे उनको क्या पता है होता कैसे मगर वो कर क्यों रहे हैं वो उन्हें पता नहीं है तो सर आपकी जो अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगी इनशाला उसके नाम अकाउंटिंग को स्टार्ट करेंगे सर ये बेसिकली टेन चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है सही है हमको इसको अराउंड 150 टू 180 एटी आवर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सर मैं पहली पहला ऑप्शन बच्चों को ही देता हूँ मैं कहता हूँ भाई तुम्हारे ऊपर है पढ़ना है या समझना है क्योंकि सर जब पढ़ाना होता है ना पढ़ने के लिए सर आपके यहाँ यूट्यूब है आपके यहाँ बुक्स हैं खुद पढ़ लो समझाने के लिए सर यू नीड अ ट्यूटर और सर माई सेल्फ आई एम खुद मैं ए सी सी ए मेम्बर हूं सी ए फाइनलिस्ट हूँ मेरा छह साल का डोलाइट का एक्सपीरियंस है पाकिस्तान का भी और सऊदी एंड दुबई का भी डोलाइट का नाम तो बताया होगा एलविन ने ठीक तो है तो सर वो ऑडिट फॉर्म है बिग फोर के अंदर ऑडिट फॉर्म के अंदर आती है तो सर मैं एक वो एक्सपीरियंस जो लेकर आया हूं ना जो मैंने अपनी जिंदगी के छह साल में जो ऑडिट क्लाइंट्स के साथ हम लोगों ने वहां पर चीजों को एम्प्लाई किया है तो सर उसकी हम लाइव एग्जाम्पल क्या करते हैं क्लास में देते हैं ताकि बच्चा क्या कर सके सर आपने तो फॉर्म लाइफ नहीं देखी आप फर्म लाइफ एक बाद में जाके देखेंगे तो सर फर्म लाइफ में क्या होगा ये अकाउंटिंग किस तरीके से आएगी कोई बंदा होगा वो उसको किस तरीके से करेगा सर आज मार्केट में आपको सर बहुत चूरण मिल रहे होंगे सत्तर घंटों में कर लो पचास घंटों में कर लो साठ घंटों में कर लो अरे घर बैठ के करो अरे भाई घर बैठ के करूंगा और मैं साइंस का बच्चा हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आएगा तो कोई ऐसा बंदा होगा जो घर आके मुझे समझा दे या व्हाट्सएप पे लाइव अवेलेबल होगा अच्छा जब वहाँ आते हैं तो बंदा कोई अवेलेबल नहीं होता और सर ये जो आप दुबई के अंदर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें वगैरह देखते हैं सर जब आपके पास एक बिल्डिंग बन रही होती है ना अगर एक बिल्डिंग बनने का अगर प्रोसीजर दो साल का है तो सर सबसे टाइम किस में लगता है एक बिल्डिंग अगर दो साल का पूरा प्रोजेक्ट है नॉर्मल से क्वेश्चन है तो सर सबसे ज्यादा अगर दो साल में सबसे ज्यादा टाइम किस चीज में लगता है बेस। सर बेस अगर मजबूत होगी ना तो ऊपर तीन माला नहीं तुम दस माला भी बना सकते हो क्यों आपको है, बेस स्ट्रांग है ऊपर आप जितना भी लोड डाल दो उस पर फर्क तो सर आपका दिमाग अभी एक बेस है अकाउंटिंग के लिए जब आप पीआरसी के अंदर वो बेस को स्ट्रांग कर लेते हैं तो ऊपर फिर कोई भी सब्जेक्ट आ जाए ऊपर कैसा भी सब्जेक्ट आ जाए आप क्या कर सकोगे डायरेक्ट लिंक भी कर सकोगे और वहां पर आप पैनिक भी नहीं होगे क्या चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं क्लियर है सर सो यू डोंट नीड टू गेट थ्रेट ऑफ दिस सब्जेक्ट वी विल बी हे फॉर यू एंड दिस विल बी योर चॉइस के सर आपने करना क्या है आदर यू हैव टू गो विद दो रिकॉर्डिंग्स सर रिकॉर्डिंग हम भी देते हैं बट हम उसको प्रेफर नहीं करते क्योंकि सर एक बच्चा जो अभी कॉलेज से आया है वो रिकॉर्डिंग में उसका वो वाला जो फोकस होता है वो नहीं रह पाता अब सर तो दूसरा फोकस हमें माशा हमारे दोस्त और घर वाले पूरे करवा देते हैं दूध ले आओ दही ले आओ धनिया ले आओ पुदीना ले आओ और एक वक्त में तो मंगवाते भी नहीं है और जब आपको दस टाइम पर जाते हैं ऊपर से सर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का इशू कभी लाइट है कभी लाइट नहीं है ऊपर से सर आपके पास बहुत सारे अदर फैक्टर्स आ जाते हैं दोस्तों के ऊपर का आ जाता है क्या कभी दोस्त में निकल जाओ ठीक है लेक्चर बाद में देख लेंगे सर बाद में अब लेक्चर्स देखते हैं और फिर पेंडिंग हो जाता है और फिर हमें चीज़ समझ नहीं आती तो उसको फिर कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती ठीक है तो सर कोई आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, सो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट कोई सवाल नो क्वेश्चन एग्जाम्शन लाजमी लेनी है एग्जाम्शन में नो एफ एंड नो बट बट पढ़ना जरूर है देखिए पेपर के अंदर आपको एग्जाम्शन मिल गई ना पेपर ना दे आपको एग्जाम्शन मिल गया पेपर ना दें बट आप जब क्लास में आएंगे अभी मैंने सिर्फ दो सिंपल से सवाल पूछे किसी बच्चे ने जवाब नहीं दे सके और जब ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वन के पेपर में जाएंगे वहां हिस्ट्री आपके पास भरपूर पड़ी हुई आप के उठा के देख लें के सबसे गंदा रिजल्ट किसका क्योंकि या थोड़ी सी कोताही समझ लें कि सर, इंटर का जो सब्जेक्ट है जो अकाउंटिंग का और जो सीए का पीआरसी का सब्जेक्ट है, सर, उसमें 60 चेंज है। एक तो पढ़ाने के अंदर बहुत बड़ा चेंज है जिस तरीके से आपकी चीजें वहां कवर की गई हैं, दूसरे से जो चीजें नई चीजें हैं जो उनको पता नहीं है एनी अदर क्वेश्चन क्या बेटा यार बाईस करोड़ आवाम में खाली दस हजार है किन्नों ने स्टूडेंट से यार भाई पंद्रह हजार सोलह हजार मेंबर्स हैं पूरे पाकिस्तान में कितने जिनमें से पांच छह हजार लाखों पे आ रहे हो गए तो गिनती के जो जिंदा बचे हैं वो कितने दस हजार उन दस हजार में जो एटी परसेंट है वो अपना बिजनेस कर रहे हैं शॉर्ट टाइम कौन कौन देखता है सभी देखते हैं वहां पर ज्यादातर जो इंटरप्रीन आ रहे होते हैं वो कौन होते हैं चार्ट अकाउंटेंट क्यों सर सर देखो दो किस्म के लोग होते हैं जैसे हम मेनू में कहावत है क्या धंधा करना हो ना धंधा करके ना सीखो धंधा करना हो तो बिजनेस करना हो तो बिजनेस करके पहले जो बिजनेस कर रहा है ना उसके साथ लग जाओ दो तीन साल देखो उसके एक्सपीरियंस से सीखो और फिर जाके अपना पैसा लगाओ कि अपना पैसा बहुत प्यारा होता है दूसरे का भाड़ में जाए अपना रुपया भी यहां से वहां ना हो जाए सर वैसे ही मेहमान बदनाम है कंजूस होते से होते नहीं है सही है हमारे फूड जितने भी आपके चल रहे रेस्टोरेंट वगैरह मेहमनों को फोकस करे कोयटा से वो उठ के आ गए पठान उनको बताया कोई भी बंदा बा, बाहर नहीं निकलेगा रात को एक कौन होगा मेहमन नहीं होगा उसको टारगेट करके उसने चाय का होटल खोल दिए सही है तो सर जब ऑडिट फॉर्म में जाते हो ना ऑडिट फॉर्म में जाते हो सर मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं कि मैंने जिंदगी में जब एक साथ तीन करोड़ साठ लाख रुपए देखे थे कितने बैक इन एंड आई लाइक ट्वेंटी एक आध गूंगा बिकॉज इकहत्तर दिसंबर की रात थी बाहर पूरी दुनिया में फायर क्रैकर्स बज रहे थे सब लोग जश्न आदा अपना न्यू ईयर मना रहे थे और हम कैश वर्ल्ड के अंदर बैठे थे किसी बैंक के और वहाँ पे हम क्या कर रहे थे नोटें देख लेते हम कहते हैं इतना हम लोग कहते हैं मुझे मिलता है आठ हज़ार छः सौ और इस हम की स्टाइपमेंट थोड़ी कम होती है सैलरी नहीं होती स्टाइमेंट होती है मैं तो पैसा ही पैसा है यार यहाँ देखो पैसा यहाँ देखो पैसा तो सर वो कैश वॉल्ड कैसा होता है अंदर कैमरा होता है नहीं होता कितनी कीज़ होती हैं चलो मैं बताता हूँ तो तीन कीज़ होती हैं एक की होती है जो एक ब्रांच मैनेजर के पास होती है और एक की होती है जो ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर के पास होती है सर आपको कैसे पता मैं किसी बैंक में जाकर पूछू ना अभी तेरे वर्ल्ड की कितनी कीज है एक की किसके पास होती है दूसरी किसके पास होती है कौन सी वाली की किस होल में लगती है बताएगा बोलेगा बेटा लगता है मनी हाइस था आया था वो इटली का था यह पाकिस्तान का बनने वाला है हाँ सर कोई भी नहीं बताएगा बट सर डेट वॉज नेम विथ आवर नेम कि यार ये बंदा आया हुआ है डोलाइड से ये बंदा कहाँ से आया हुआ है डोलाइड से आया हुआ है तो इसीलिए उन्होंने हमें क्या किया अंदर जाने की इजाजत दी हम उन उन जगहों पे जा रहे थे जहां पे उनके खुद के एम्प्लॉज को इजाजत नहीं थी एसएसजीसी के अंदर हमने ऑडिट किया था पीआईए आई के जो हैंगर्स होते हैं वहां पे आप नॉर्मली जा नहीं सकते उनका जो फ्लाइट स्टिमुलेशन होता है जहां पे वो कैसे ऑपरेट करता है ये सारे के सारे पर्स तुम्हें क्या मिलेंगे क्योंकि सर अगर लेट्स सपोज आप सब सी स्टार देखेंगे बहुत सारा आएगा बहुत सारे लोग कहते हैं एंड कम एस टैपेंट सर बिलीव मी जो एक्सपीरियंस वो आपको देता है ना अगर उस एक्सपीरियंस के अगेंस्ट दे विल स्टार्ट चार्जिंग यू द मनी कहेंगे नहीं भाई पचास महीने का तुम दो हम तुम्हें इतना बड़ा एक्सपोजर दे रहे हैं तुम जिसने घर के अंदर कभी लाख रुपए से ऊपर किसी के पास देखे नहीं होंगे कि इससे ज्यादा पैसा कोई रखता नहीं है हम तुम्हें करोड़ों का जो है अरबों रुपए का क्या कर रहे हैं एक्सपोजर दे रहे हैं तो एक्सपोजर की क्या है सर एक कॉस्ट है दे कैन चार्ज यू द कॉस्ट फॉर डेट एक्सपोजर बट दे आर नॉट अच्छा खुद सोचो ना उन्नीस हजार रुपये होती है अभी आज के बढ़ गई है कोई बीस हजार समथिंग हो गई है अभी रिसेंटली फर्स्ट जुलाई से अफेक्टिव हुई है तो सर जब आप एक स्टाइपेंड लेके चल रहे हो तो जब क्वालिफाई हो जाते हो तो क्या बीस हजार मिलता है सर अगर कोई अगर यहां पे अगर कोई पेरेंट्स हैं जो जॉब में है सर मैक्सिमम इंक्रीमेंट कितना होता है पर ईयर ट्वेंटी कर लें मतलब बीस की जगह तो तुम्हें चौबीस मिलने चाहिए फर्स्ट जॉब पे हाँ अगर बीस मिलने तो फर्स्ट जॉब पे तुम्हें कितने मिलने चाहिए ट्वेंटी फोर एंड आप जाके फर्स्ट जॉब पे डेढ़ लाख रुपये उठा रहे हो क्या उठा रहे हो डेढ़ लाख से नीचे का को कोई तुम्हें ऑफर कर रहा है तो बोलो भाई तेरी औकात नहीं है तू हमें हायर कर सके सही है है कम कम से कम, गाड़ी भी मिलती आजकल गाड़ी कितनी मिलियन की तो एल्टो तो है छह सौ सी सी तेरह सौ की बात करा एल्टो तो नहीं यार हम हमारा लेवल ऊपर है यार डॉक्टर वॉक्टर इंजीनियर वगैरह को छोड़ो थोड़ा ऊपर आओ यार चार्ट अकाउंटेंसी तुम ऑडिशन में आओ थोड़ा दिमाग ऊपर रखना पड़ेगा जो सोचोगे बड़ा तो मिलेगा।, मिलेगा बड़ा हाँ सर तेरह सौ तो सीसी सबसे कम वाली कौन सी है मेगा से स्विफ्ट है हाँ सर ग्यारह तो पचास की है ना पचास बावन लाख रुपए की है स्विफ्ट अभी नया मॉडल आ रहा है कितने का फोर्टी फाइव लैक्स का ऑप्शन उसके अंदर बारह जबकि यार से ज़्यादा है सर अगर तुम अपने पैसे जमा करना शुरू करो ज ए डॉक्टर इंजीनियर इट विल टेक यू लाइक एट टू टेन इयर्स टू जाएगी ना आठ दस साल में तो गाड़ियों की प्राइस पैंतालीस से सत्तर हो चुकी होगी फिर तुम्हें तीन चार साल और लगेंगे उस कैप को मीट करने में फिर जाके तुम्हारे पास क्या आएगी लाइफ की पहली मारुति होती हो, इंडिया में मारुति होती है आपकी पहली मारुति तो यही होगी हाँ सर बर्सन सी ए जैसे ही आपने अपना ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया वहां पे लिखा होगा भाई 1300 सीसी कार आपके पास है वो 45 लाख में आपने कमाने नहीं है और सर वैसे भी पाँच साल के बाद चीज़ों से दिल भर जाता है बीवी -बी के अलावा रिश्तों के अलावा बाकीय से दिल भर जाता है सर चीजें सर मोबाइल आपके अब क्या कोई है सर जो कहे सर मैं पाँच साल से मोबाइल यूज कर रहा हूँ हाँ सर कोई मसला नहीं अब्बा ने नहीं दे रहे ना खुद से कमा के लेना दिल तो तेरा भी चाहता होगा चेंज करूँगा हाँ या मजबूरी है या नहीं सर दिल्ली नहीं चाहता दिल्ली नहीं चाहता बेटा फिर तेरे का मसला अलग है सही है दिल से रखो वरना लाइफ में फिर आगे नहीं जा पाओगे देखो चीजें अट्रैक्ट करती है लोगों को ठीक है फिर सर पांच साल के बाद यू डोंट नीड टू गैदर द मनी सेव द मनी टू चेंज योर कार और सर वैसे ही जब तुम दो साल के बाद असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर के बाद तुम सीनियर मैनेजर पहुंचते हो तो तुम्हें तो तो पता कौन सी गाड़ी मिल जाती है सिविक मिल जाती है और सिविक हो तो फिर सारे मामला सेट हो जाएंगे फिर अब को ढूंढने की जरूरत भी रोड पे खुल लो तुमसे टारगेट कर रहे हो वाला है अभी सिविक वाला है तो शादी भी खुद ही हो जाएगी तो सर ये एक नेवर एंडिंग प्रोफेशन है सर बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आता है सर ए बहुत ज्यादा आगे आ रहा है ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो आप लोगों ने पूछा नहीं मिलेगा शायद पूछेंगे कुछ लोग कि सर आई आ गया तो क्या चार्ट अकाउंटेंट की वर्थ रहेगी बिल्कुल बेटा रहेगी क्योंकि चार्ट अकाउंटेंट ने लेने होते प्रोफेशनल जजमेंट्स क्या लेने होते हैं प्रोफेशनल जजमेंट लेनी होती है कि वेदर वी हैव टू डू दिस थिंग और वेदर वी डोंट हैव टू डू दिस थिंग सर आपको चैट जीपीटी चीज नहीं बताएगा वो आपको दोनों बता देगा क्या दे देगा भाई ये करोगे तो ये होगा ये करोगे तो बट हु विल बी द वन हु विल टेक द डिसीजन सर मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल लेते हैं ना आपने चैट जीपीटी पे या एआई के अंदर ये बात लिख दी कि यार पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर अब एक लॉ आ रहा है और तो वो लॉ ये आ रहा है लेट्स सपोज कि हम एक स्पेसिफिक किस्म की जो एल होती है उसको हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते उसको हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते अब सर आप बैठे हुए कंपनी के सी एफ ओ यू आर सर सी एफ ओ का काम हिसाब किताब रखना नहीं है उसे फाइनेंशियल प्लानिंग्स बतानी है इफ़ यू आर आर सी एफ ओ एंड सर आपके पास ये आता है वो कहता है भाई देखो ये सेंक्शन आ रहा है और ये अप्लाई हो जाएगा लेट्स वो बजट आ गया अब वो उन्होंने कह दिया भाई एल पी जी हम इंपोर्ट हमें अपना ट्रेड डेफिसिट कम करना है ट्रेड डेफिसिट आपको पता होगा जो कॉमर्स वाले हैं जिनको साइंस वाले उनको हमें जैनब बताएंगे ठीक है तो सर ट्रेड डेफिसिट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्या करें क्या हमारा प्लांट से तो कुछ भी पैसा आएगा तो क्योंकि हमारा प्लांट है ही किस पे फुली एल के ऊपर है अब वो जो एल वाली जो गैस है लो प्रेशर गैस वो अगर इराक से या जैसे वो कतर से इंपोर्ट नहीं होगी तो मुझे अपना बिजनेस क्या करना पड़ेगा

क्राइम रेशियो वीज इन डेथ रेशियो सर ये सारी चीजें लिंक है चैट जेपीडी इसको क्योंकि सर वो तो यूएस का वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होता वो क्या कहता है हमें पाकिस्तान के हवाले से नहीं भाई हम यूएस में गवर्नमेंट क्या करेगी आपको सपोर्ट करेगी अब पाकिस्तान में गवर्नमेंट हमसे सपोर्ट ले लेके आज भी उसकी जेब भरी नहीं रही है कितना सपोर्ट करना पड़ेगा तो सर चैट जेपीडी विल नॉट गिव यू एन आंसर हाँ सी एफ होगा ना वो कहकर क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि हम इस प्लांट को एल से कन्वर्ट करें किसके अंदर कोई इस तरह का इंजीनियर वगैरह ढूंढने फिर इंजीनियरों की जरूरत पड़ती है कुछ आधे होते हैं जो ऊपर आ जाते हैं तो वो इंजीनियर को कहते हैं यार अगर हम इस जो हमारा एनर्जी जो मेक कर रहा है उसको अगर हम कोल पे ट्रांसफर कर दें थर में कोल निकल रहा है पेट्रोल भी है क्या है अब पेट्रोल पे करूं डीजल पे करूं कोल पे करूं ये कौन डिसाइड करेगा चेटी तीनों आंसर दे देगा क्या दे देगा बस इट विल बी दी एफ ओ विल डिसाइड क्या कोल से करने से कंपनी को और ज्यादा फायदा और ज्यादा प्रॉफिट होगा तो सी की भी तंख बोलेगा देखो आपको पैसा बचा के दिया आपकी सेविंग्स करवा के दी आपकी फैक्ट्री बंद होने से बचा के दी फिर जाके वो सीएफओ क्या करेगा आपसे अपने मुताबे के पैसे मांगेगा और सीएफओ पता कौन सा होगा वो होगा जिसने चीजें डे वन से क्या की होंगी समझी होंगी उसका डे वन से जो उसकी अप्रोच होगी उसके क्लास में पूछता होगा कि ये कर रहे हो तो क्यों करो हाँ सर हो रहा है ठीक है हो रहा है सर शादी के टाइम पे जो है इस तरह जो है लेट सपोज आपको जो है पूरा प्रोसीजर होता है सही है आपको किससे बताया प्रोसीजर होता है आपको से पता है पता है बस आपको जानना हो ना कि यार प्रोसीजर क्यों हो रहा है तो घर के जो बड़े होते हैं आज आपकी अम्मी भी होंगी ना शायद वो भी बता ना सकें मगर अम्मी की अम्मी जो नानी अम्मी होंगी वो सब बताएंगी कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है जैसे सर दूध में हल्दी डाल के किसी किताब में लिखा हुआ है एट अमेरिकन मिल्क एंड यू विल फील पावरफुल हल्दी दूध हाँ सर पता है किसी कोई लिखा हुआ है हाँ डॉक्टर्स वाले जो बायोलॉजी पढ़ के आए हो तो कहेंगे पागल हो गए हो मैदे का मसला आ जाएगा दूध के अंदर फैट ये वो मगर दादी ने कह दिया तो हम उसको क्या करते हैं मान लेते हैं सर उनका तजुर्बा है क्या है तो सर जब तुम डे वन से ये एक्सपीरियंस कर करके जब आगे तक पहुंचोगे और तो तजुर्बा लेके जाओगे तो सर यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम दैट क्राउड जो क्या है सर आपका क्या हर चार्ट आगे जाता है क्या हर डॉक्टर आगे जाता है सर आज आपके बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होंगे के उनकी अगर दिखाने के लिए जाए वो सौ रुपए में देख लेंगे तीन वक्त की दवाई भी देंगे इंजेक्शन भी ठोक देंगे सौ रुपए में और एक ऐसा बंदा होगा जिसको आपको दिखाने के लिए दो महीने पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और पैसे चार हजार रुपए देने पड़ते फिर वहां के लड़ रहे होते हो मैं लड़ा लड़ाऊ बहुत कहता तो पागल हो गए हो अबे चार हजार पे लिए साले कम से कम पांच मिनट तो पूरे दे नही दो मिनट हो गए ना उन्होंने कहा यार मतलब ऐसे भी हैं और दूसरे किस्म के भी हैं बेटा आपका सवाल था पीछे जी बेटा ग्रेजुएशन इज अ डिग्री अकाउंटिंग फील्ड में जो सबसे टॉप मोस्ट है वो है सी क्या है सी एफ ए जिसको वर्ल्ड बैंक के अंदर हायरिंग मिलती है जिसको स्टेट बैंक की स्टार्टिंग उसकी आज साढ़े सात आठ लाख रुपए तंखुआ सी एफ ए सही है तो सर वो भी एक जो सी एफ ए हो गया सी ए हो गया एसी सी ए हो गया आईसीडब्ल्यू हो गया सर दीज ऑल आर सर्टिफिकेट ये क्या है सारी सर्टिफिकेट सर दिस इज नॉट अ डिग्री साथ में आपको बी कॉम प्राइवेटली करना पड़ेगा जी बेटा आ, तो एक एक करके जवाब दोनों सुन के फिर दोनों एक साथ जवाब दो चलो सही बताओ फिर हाँ चलो मैं दोस्त का जवाब देता हूं तुम्हारा बैकग्राउंड कौन सा है कॉमर्स है

डॉक्टर्स जो आएंगे और पेशेंट्स को देखेंगे डॉक्टर्स लाने के लिए आपकी अप्रोच क्या होगी यू विल गिव अ जॉब एडवर्टीजमेंट आप जॉब एड देंगे अब आपने जॉब एड दी जॉब एड दी जॉब एड के साथ आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशन आई उसके अंदर कुछ एप्लीकेशन थी ऐसी जो उन डॉक्टर्स की थी जिन्होंने अपनी हाउस जॉब आर्टिकल्स को समझना हाउस जॉब आर्टिकल्स को समझना जिन्होंने अपनी हाउस जॉब करी है किसके साथ आगा खान के साथ और कुछ लोग हैं जिन्होंने हाउस जॉब करी है सिविल हॉस्पिटल के साथ जिन्होंने हाउस जॉब करी किस जिना के साथ so, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस किसकी होगी वाई तो तो क्या वहां पे तो तो क्या कोई वहां पर ऐसा क्या वर्क इन्वायरमेंट है स्किल्स नसों में इंजेक्शन लगा मैंने तो यही देखा आज तक मैं आगा खान पे भी गया तो नस में इंजेक्शन लगाया सिविल में भी गया नसों में इंजेक्शन लगाया किसी ने ये नहीं कहा मुंह खोल दे और ड्रिप अंदर डाल दी स्किल्स तो उसके पास भी यही थी दोनों ने सेम प्रोसीजर किया फिर तुम लास्ट ऑइन में थे ना चुप रहो उसको मौका तो देने दो ताकि उसका जवाब मुझको खुद दूंगा सर एक्सपोजर सिविल में ज्यादा बड़ा है एक्सपोजर की बात हो तो सिविल में बहुत ज्यादा बड़ा एक्सपोजर है क्योंकि आपके पास हर किस्म का मरीज क्या हो रहा होता है आ रहा होता है नहीं मैं आपको एक जवाब दे रहा हूं अब देखो मैं आपको उसको लिंक करूंगा सर इट्स द प्रोसेस द वे यू आर ट्रीटिंग द पेशेंट्स सिविल में जब पेशेंट ट्रीटमेंट होती है तो वो आते हैं बट देखते हैं ठक 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 करके क्या होता है साइड में हो जाता है बट इट कम्स टू अवर खान पहले एक नर्स आती है वो चेक करती है वो कुछ टेस्ट करती है फिर कोई डॉक्टर अपना कोई सुपरवाइजर आता है वो देखता है फिर आर एम ओ आता है फिर जाके डॉक्टर को क्या किया जाता है कंसल्ट किया जाता है स्टेप्स है प्रोसेस है द सेम थिंग जो छोटी फॉर्म्स है ना उनके पास इतनी रिसोर्स नहीं है अब अगर मैं आपको डोलॉड की मिसाल दूं सो उन्होंने लास्ट ईयर जो अपना रेवेन्यू रिपोर्ट किया Deloitte ने बिलियन कितना पाकिस्तान की इकोनॉमी ने क्या किया है वर्ल्ड ओवर में उसने अपना रेवेन्यू रिपोर्ट किया है फर्ग्यूसन अराउंड सिक्सटी बाकी उन्हें तीस और पैंतीस बिलियन डॉलर किए तो सर इन कंपनी इतनी बड़ी क्यों है इनके पास रिसोर्सेज इनके पास क्या है रिसोर्सेज रिसोर्स वैन वी कम टू द अदर फर्म्स सो उनके पास भी रिसोर्सेज रिसोर्स बिग टेन का है दुनिया में सिर्फ बिग फोर का नहीं है सही है दुनिया की कितनी बड़ी ऑडिट फर्म्स है बिग है 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 जिसमें भी है, भी, है, भी है। <coughs> तो सर आज जब मैं डॉइड में था हमारे पास हमारे एक पार्टनर थे निरेश। निरेश एक बिल्कुल ही छोटी फर्म से आए थे क्या आए थे बट पूरे पाकिस्तान में अगर किसी का कोई आई का मसला होता था कंसल्टेंसी का किसका मसला होता था कि यार ये चीज अप्लाई कैसे करनी है सो so, निरेश वॉज ऑन द टॉप जिसको जाके कंसल्ट किया जाता था, था कि सर आप बताएं इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है सो इट डिपेंड्स देखो थोड़ा आपको पुश कहां से मिलता है ऑडिट फॉर्म से एक बच्चे की अपनी क्या होती है कैपेबिलिटी भी होती है कि बच्चा उसके अंदर कितना इन्वॉल्व है अब सर बहुत सारे होंगे आपके बैच के नाप इकर में हो माशाल्लाह अभी अब आपके पास कोई सीनियर्स भी होंगे क्या हर सीनियर एक ही ट्रैक पे जाएगा है तो एक ही जगह से ना है तो एक ही जगह से मतलब किसी का दिमाग ज्यादा चलता है किसी का दिमाग तो ये हर एक एक बच्चे के ऊपर क्या होगा इंडिविजुअली अब सर आज मीजान बैंक सी एफ जो है उसकी बत्तीस लाख रुपए महीना उठा रहा है महीना कितना उठा रहा है बत्तीस लाख रुपये उठा रहा है क्या उसके बैच के सारे लोग इतना उठा रहे होंगे कुछ होंगे जो दस उठा रहे होंगे कुछ होंगे बारह होंगे कुछ होंगे पंद्रह उठा रहे होंगे तो सर आगे जो चीज जाती है वो आपका अपना माइंडसेट जाता है कि आपने डे वन से अपनी बेस कितनी अच्छी बनाई और आप चीजों को किस तरीके से ग्रैप करते हो और आपकी अपनी खुद की रिसर्च कितनी होती है अगर आपके अंदर रिसर्च वाला कीड़ा नहीं है ना तो सर आप हाँ पाँच छह लाख रुपये महीना कमा लोगे कोई बड़ी बात इस प्रोफेशन में नहीं है बट सर आप एक आगे जिससे सर एलविंद ने कहा स्काई इज द लिमिट वो नहीं हो पाएगी दूसरा सवाल कुछ तो भी नहीं है यार

कल को कहोगे यार सर मैं पाँच देने था आज मैं कैफ के में पास कर लेता आपने मुझे बोला था सो so, ये हर एक बच्चे का अपना देखो यहाँ पे जितने ही बच्चे बैठे ना आपका एक्यू लेवल अलग होगा आपके भाई का एक्यू लेवल अलग होगा आपके अब्बा का एक लेवल एक घर में जितने लोग होते हैं सबका इंटेलिजेंस लेवल क्या है अलग हर किसी की अलग अलग कैपेबिलिटीज हैं अब सर अगर ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है <coughs> अब मिसाल के तौर पर एक बंदा होता है वो ऑलराउंडर है ऑलराउंडर मतलब थ्योरी में भी अच्छा है नंबर में भी अच्छा है थ्योरी में भी अच्छा है और नंबर्स में भी अच्छा है तो वो क्या करेगा पाँच सौ एक साल उठाएगा अब एक बच्चा कहता है कि नहीं यार मुझे लगता है कि थ्योरी मेरे बस की बात नहीं है नंबर्स में तो तुम उससे काम करवाओ मैं तो ऐसे नंबर्स को तो मैं घोल के पी जाता हूँ तो वो क्या करेगा कहेगा मैं क्यूटी टी अकाउंट्स दे दूँ कहेगा नहीं यार थ्योरी में मेरा दिल है तो वो क्या करेगा इंग्लिश इकोनॉमिक्स और आई के ऊपर फोकस करेगा तो सर हर बच्चे को अपने ऊपर है सर देखो मिसाल के तौर पर अभी जुलाई की अटैम्प्ट जुलाई के अटैम्प्ट के पेपर्स देने की जो रजिस्ट्रेशन डेट आती है वो आती है आपके पास कोई पाँच दिन के लिए विंडो खुलता है उसका विंडो खुलता है वो खुलता है कोई एंड ऑफ जून में चाहिए लास्ट वीक ऑफ जून में मिलता है कि आपको जुलाई में कौन से पेपर देने तो वो टाइम पे बच्चा क्या करे डिसाइड करे कि वेदर मुझे दो देने हैं पांच देने हैं या अगर उसकी प्रिपरेशन है पांचों जितनी पांचों की फीस भरवा दो क्योंकि सर यहां पर आपकी विन सिचुएशन है ना आपकी प्रिपरेशन नहीं तो दो महीने बाद वापस डेट ले लेना कैफ में मसला है कैफ में क्या है छह महीने पेपर होता है क्या होता है साल में दो दफा और आर के अंदर साल में सिक्स टाइम्स यू हैव एन ऑप्शन टू गो एंड अपीयर फॉर द पेपर एनीवन बट आई विल नॉट सजेस्ट कि कोई बंदा नवंबर में पांचों ना दे अगर उसने नवंबर में पांचों नहीं दिए और वो गया जाता है जनवरी तक का जाता है उसका रिजल्ट आ देखो कैफ की जो पहली अटेम्प्ट है ना आप अपनी मार्च दो बनाना चाहते हो या सेप्टेंबर दो बनाना चाहते हो डैट इज योर ओन डिसीजन क्योंकि सर नवंबर में आपने पेपर दिया अब सर जो आपकी जो कैफ मार्च की जो अटेम्प्ट है उसकी जो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट होगी वो होगी टेंथ ऑफ जनवरी क्या होगी एंड जो सितंबर में अटेम्प्ट होती है उसकी लास्ट डेट होती है टेंथ ऑफ जुलाई अब सर अगर हम सीनेर की बात करूं कि सर टेंथ ऑफ जनवरी तक तुम्हारा पीआरसी क्या होना चाहिए स्टेटस क्लियर इफ यू वॉन्ट टू अपियर एनी पेपर इफ यू वॉन्ट टू अपियर इन एनी पेपर इन द मार्च अटेम्प्ट और सर एक अच्छी बात बताई क्या है आपको जो अगर लाइक सपोज आपने जनवरी में पेपर दिया आप पीआरसी पास हो गए पीआरसी पास होने के बाद आपको सीआरएन नंबर मिलता है व्हाट इज दिस नंबर एफटीएस नंबर जो होता है ये क्या होता है सर से कहते हैं ना अगर कि मैं किसी पेरेंट से पूछूं सर आपने अगर केयू से आप कौन से बैच के देखेगा वी वर द बैच ऑफ नाइनटीन एटी सिक्स वी वर द बैच ऑफ नाइनटीन नाइनटी टू क्या है बैच है ना इस तरह से ये सीए के अंदर क्या है बैच है तो सर जब आप पीआरसी क्लियर कर लेते हो तो आपको क्या मिलता है एफटीएस नंबर सो फर्म का आपको शायद एलविन ने बताया होगा रिसेंट एफटीएस वालों को क्या करती है बिग फोर एप्लीकेशन के लिए बुलाती है सर अब तो आपका पूरा ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है अगर आपका एफ उस जो उन्होंने कॉल आउट किया है उससे पहले का है तो आपकी एप्लीकेशन ही आगे नहीं जाती तो सर आपका जो बैच होगा वो आपको कब मिलेगा जनवरी में मार्च वाले बच्चों को भी वही बैच मिलेगा जो आपको मिला होगा जिन्होंने मार्च में क्या क्या होगा पीआरसी क्लियर किया होगा मतलब सर जो सितंबर में जा रहे होंगे ना बच्चे कौन से बच्चे जा रहे होंगे जो सितंबर में बच्चे जा रहे होंगे सबका एफटीएस क्या होगा जनवरी से लेके सितंबर तक के जो भी बच्चे पी आर सी के लिए करके एफ के लिए अप्लाई करेंगे सबका एफटीएस क्या होगा सेम बस सर तुम सितंबर का पेपर दे रहे होगे तुमने मार्च में एक पेपर दे दिया लेट सपोज तुमने कहा सर मेरी अकाउंटिंग बहुत अच्छी है मैं कहा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उनका दे दो मेरी थ्योरी बहुत अच्छी है बिजनेस लॉ का पेपर दे दो टैक्स का दे दो सर मैं नंबर में तो बाप हूँ मैं बेटा कॉस्टिंग दे दो सही है तो सर आप जब दोगे तो आप एक एज क्या होगे ऊपर फिर आपने तीन पेपर दिए फिर लास्ट अटैम्प आपने चार दिए तो आपका क्या होगा कि इस बच्चे ने दो अटेंड में क्या किया है कैफ क्वालिफाई किया है तो फिर आपके सेलेक्शन चांसेस फॉर्म के अंदर क्या होंगे बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे गॉट यू आंसर्स? जी बेटा व्यक कहा बेटा आओ डेमो लो सही है डेमो समझते हो कि हम आपको डेमो भी अलाउ करते हैं कम आपको एडमिशन करवाना अभी करवा लो एडमिशन करवाना अभी करवा लो लेकिन आपको एक हफ्ते की डेमो क्लासेस दी जाएंगी आफ्टर अ वीक आपको लगता है कि यार सही है हम कंफर्टेबल हैं देखो टीचिंग के अंदर मैं तुम्हें एक पर्सनल चीज बताऊ ना हर टीचर का दिमाग बच्चे के साथ मैच नहीं कर पाता एक बच्चा ऐसा होता है जो कहता है कि यार आई एम अ वेरी फास्ट लर्नर आई एम अ वेरी फास्ट लर्नर और तुम्हारा पड़ोसी होगा वो कहेगा भाईजान ये इसका आई क्यू माशाला है 120 वगैरह मेरा तो माइनस में चलता है मेरे घर के मसले मसाले इतने मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतने हैं मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं तो मैं इतनी जल्दी ग्रैप्स नहीं कर पाता तो एज अ टीचर मैं दोनों को अलग अलग तो नहीं पढ़ा सकता ना सो एज अ टीचर मुझे क्या करना होता है ग्राउंड लेवल से लेना चलना पड़ता है एज ए जीरो ताकि मेरे सामने हर बच्चा क्या आ जाए इक्विलेंट आ जाए तो so अब मुझे नहीं पता कि जब मैं जीरो से जाऊंगा या किसी और स्टूडेंट में जीरो से जाएंगे तो आप कहोगे क्या ये टीचर सही है और दूसरा और टीचर हर बच्चे के लिए कोई एक अच्छा होगा दूसरा बुरा होगा तो ये एक टीचिंग स्टाइल के ऊपर आएगा सो वन वीक का डेमो लें जज करें अपने हिसाब से क्या इसकी बातें मुझे समझ आ रही है देन उसके बाद आप एडमिशन एक हफ्ते का टाइम होगा एक हफ्ते का टाइम एडमिशन ले लें जी मंडे परसों से एनी अदर क्वेश्चन अच्छा हाइब्रिड का तो बता ही दिया होगा ना घर में वैसे ही लाइट जाती है ए नहीं होता है यहाँ पे मस्त ए सी चल रहा होता है सही है लाइट जाती है तो लीटर पर चल जाता है सही है हाँ एक आपकी ट्रेवलिंग कॉस्ट थोड़ी बहुत लग जाएगी जी बेटा यार मैंने यकीन करोगे मेरे टाइम पे है ना मेरे टाइम पे दो साल का बीकॉम होता था मैंने बीकॉम के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा जिंदगी में कभी सिवाय उर्दू के और स्क्रामर की कुछ हदीसें मैंने याद की थी उर्दू को याद किया था मैंने उर्दू की कुछ जो नहीं होती तशरी वगैरह होती है वो हुआ तो इस्लामियात के अंदर कुछ हदीसे वगैरह मुझे किसी गैस पेपर में किसी ने बता दे दिया गया इसका क्या करो देख लो याद इसके अलावा क्योंकि सर आप उनसे बहुत ऊपर का पढ़ रहे होते आप इतना लिख लोगे उस पेपर में कि आपके हाथ दर्द हो जाएंगे बोलोगे टाइम कम हो गया तो आप जो बीकॉम में जाके पढ़ते हो और यहां पे पढ़ते हो वो दोनों क्या है सेम है एक्सेप्ट उर्दू एंड साम तीसरा पाकिस्तान स्टडीज फॉर्म में तो बेटा एप्लीकेशन हर चीज की होगी ना फॉर्म आप जाओगे ना जैसे हाउस जॉब क्या होती है भाई आपने आज तक देखा है ना पढ़ा है कि भाई इस तरह से यू यू करोगे तो ना सुपर आ जाएगी मेरे को पहले पता ही नहीं था मैं जाता था वो करता था यू यू कर रहा होता तो क्या कर रहा है कुछ निकलेगा क्या अंदर से कोई जीनी वीनी टैप कर रहे हो कहते नहीं इससे क्या होगा आपकी वेन वो होगी ये पढ़ा था ना अब उसको अप्लाई कैसे करना है तो आप जाके देखोगे ना कितनी फोर्स से टैप करना है क्या करना है तो वो एक्सपीरियंस आपका सब सबका मिलेगा आपको ऑडिट फर्म के अंदर चाहिए एनी मोर क्वेश्चन नो सो शुड वी वाइंड अप तो सर हम बुलाते हैं सर एलविन को वाइंड अप करके क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दें अपनी